हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यूज़ के बारे में। इंटरव्यूज़ की बात करें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें हमें किस तरीके से आंसर करना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में विद द एक्सेल सॉफ्टवेयर उसके प्रस्पेक्टिव से वो सारी बात करने वाली हूँ। एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर प्रोफेशन की नीड है, तो ठीक वैसे ही हर प्रोफेशन के इंटरव्यू में एक बेसिक राउंड में एक्सेल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। डेटा को हैंडल करना, उसे रिकॉर्ड करना, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ऐसे बेसिक काम हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एक्सेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी जॉब्स जैसे कि एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, कोई भी एनालिस्ट हो, हर एक को एक्सेल मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पे तो इंटरव्यूअर चाहेगा कि आपको सारे एडवांस्ड फीचर एंड एडवांस फॉर्मूलाज आते हों। तो इस वीडियो में मैं ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाली हूँ, आपको पूरी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और पूरी प्रैक्टिस के बाद आप पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। मैं कह सकती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो अभी से, मान लीजिए अगर इसका ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटे का है, तो 1 से 1.5 घंटे बाद भी अगर आपका इंटरव्यू है तो आप ये समझ लीजिए रिजेक्शन आज नहीं मिलने वाली है, बिकॉज एक्सेल की वजह से रिजेक्शन अब बिल्कुल नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस हो गई है। तो ये वीडियो उन सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होगा जो अपने लिए जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, बिकॉज आपको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको वो सारे राउंड्स क्लियर करने के लिए एक्सेल आना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉलेज के बाद या उस पर्टिकुलर टेन्योर के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है, तब आपको ये सब कुछ आना चाहिए। साथ ही साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप एक्सेल से इतने से भी जुड़े हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट भी हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फीचर्स एंड कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हमें इंटरव्यू में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली हमें जाके वो काम करना है और इसीलिए हम ये सारी स्किल्स सीख रहे हैं। सो ये वीडियो आपको ये सारी चीज़ों के आंसर कर देगा। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांट दिया है, या कह सकते हो 3 एस्पेक्ट कवर किए हैं। द फर्स्ट वन इज थ्योरी, द सेकेंड वन इज फीचर्स एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूलाज। हम इन तीनों को कवर करेंगे तो समझ लीजिए आपका फुल फ्लेज्ड कोर्स आप पढ़ के जाने वाले हो इस 1 से 1.5 घंटे में। उसके बाद बात आती है कि मैंने जिस शीट पे आपको ये सब कुछ पढ़ाया है वो शीट आपको मिलेगी क्या? तो आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगी, फ्रीली मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ में सिर्फ ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ फीचर्स एंड फॉर्मूलाज वाली आपको शीट दी है, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे ऐसे 100 शॉर्टकट कीज़ जो कि आप याद करके अपने काम को थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने उसके अंदर 100 MCQs भी दिए हैं, बिकॉज जहाँ पे इंटरव्यू होता है ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एक ओरल इंटरव्यू हो, आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू पूछा जाए, आपका रिटन टेस्ट भी होता है और रिटन में जर्नली आपसे MCQs भी पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे 100 MCQs भी प्रोवाइड किए हैं सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको कि MCQs का हमें कैसे आंसर करना है। तो ये फुल फ्लेज्ड एक्सेल शीट आपको लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए। और साथ ही साथ में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट के लिए अलग से मेंशन कर रही हूँ बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए फीडबैक हैं एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए सो दैट हम लोग आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो देखिए, जैसा कि हमने बात की थी, 3 टाइप की चीज़ें हम लेके चलेंगे, द फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, द अदर वन इज़ फीचर्स एंड देन फॉर्मूलाज। तो बेसिकली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो एंड अगर उन्हें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी है, उस इंटरव्यूअर को आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना है, तो इस सिनेरियो में वो क्या करते हैं, वो आपसे एक रिटन टेस्ट लेते हैं जो कि MCQ बेस्ड होता है और वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तरीका ये होता है, तो इसके लिए मैंने आपको, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे मैंने कीज़ लिए वहीं पे ये आपको 100 MCQs दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये शीट आपको, जैसा कि मैंने बताया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको 100 शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप अलग अलग टैब्स की, तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है एंड शॉर्टकट कीज़ को भी MCQs में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है
प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए, एक तरीका ये हो गया जो MCQ के थ्रू पूछा जाता है, दूसरा तरीका ये हो गया वेदर इट्स अ नॉर्मल जॉब, स्टिल वो आपको एक सिस्टम देंगे एंड आपको दो से लाइक कह सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक टाइम दिया जाएगा 40 to 45 मिनट्स का और कहा जाएगा इसे सॉल्व करके दिखाओ। वो केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन होंगे, आपसे बेसिक फार्मूलाज लगाने सीखे जाएंगे। वो बस देखना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, कौन सा फार्मूला लगाते हो, कौन सी अप्रोच रखते हो, क्योंकि हर एक काम करने का अलग अलग अप्रोचेज हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी अप्रोच का यूज़ करते हो। तो इसीलिए वो आपकी अप्रोच देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको एक्सेल में कितना आता है। तो दूसरा पार्ट आता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में वो दो ही चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, इधर फीचर्स एंड फार्मूलाज। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं फ़ीचर्स आपको दिखाती हूँ तो देखिए इतने सारे फीचर्स यहाँ कराने वाली हूँ। अगर आपने ये फ़ीचर्स अच्छे से कर लिए तो कोई ऐसा फीचर नहीं होगा जो आपने नहीं किया होगा और आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। फार्मूलाज की बात करें तो मैंने यहाँ पे इतने सारे फार्मूलाज लिए हैं। ये सारे फार्मूलाज के अंदर आपको आपके एडवांस्ड फार्मूलाज भी और बेसिक फार्मूलाज भी दोनों ही टाइप के मिल जाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले अपने थ्योरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम ये क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, जब भी आप, क्योंकि ये आपका MCQ में आ सकता है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, तो आपका आंसर होगा XLSX। और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई फाइल को सेव करते हो तो उसके पीछे एक एक्सटेंशन देखेंगे, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये फाइल उस चीज़ की है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई PDF है, आपका डॉक्यूमेंट है, तो जब आप उसे सेव करते हो तो लास्ट में .pdf लिख के आता है, तो वो उसका एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई वीडियो सेव करते हो तो लास्ट में लिख के आता है .mp4, तो वो MP4 उसका एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई ऑडियो सेव करते हो तो उसके लास्ट में लिख के आता है .mp3, तो दैट MP3 इज़ योर एक्सटेंशन। तो वैसे ही एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLSX, ये एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन क्यों होते हैं जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका सिस्टम नहीं जानता कि कोई पर्टिकुलर फाइल क्या है, उसको अगर आपने ऑडियो दिया है तो उसको ऑडियो फॉर्मेट में खोलना है, उसको कैसे पता लगेगा? उसके लिए उसको हमें कमांड देना होगा। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए उसे आपने एक ऑडियो फाइल दिया है और उसको वो ऑडियो फाइल खोलना है, तो उसको कैसे पता होगा कि ये ऑडियो फाइल है? आपके एक्सटेंशन को देखकर। वो जब लास्ट में देखेगा .mp3 है तो वो समझ जाएगा कि इसको ऑडियो के फॉर्मेट में खोलना है। अगर आप उसको कोई वीडियो देते हो तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो वीडियो में खोलना है? तो वही एक्सटेंशन को वो पढ़ेगा .mp4 और वीडियो के फॉर्मेट में आपको खोल के दे देगा। तो ठीक वैसे ही जब आपकी एक्सेल फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन होता है .xlsx, तो वो समझ जाता है कि ये एक एक्सेल फाइल है और मुझे इसको एक्सेल में खोल के देना है। सो ये काम होता है आपके एक्सटेंशन का। एक्सेल का एक्सटेंशन हमेशा याद रखें, विच इज़ LSXX, ठीक है, XLSX आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ सिंटेक्स। ऑपरेटर या सिंटेक्स की बात करें तो ये चीज़ फार्मूलाज में आती है। हम जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं, हम जब भी कोई फार्मूला लिखना शुरू करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो इक्वल्स टू से होती है। तो दैट इक्वल्स टू इज़ योर ऑपरेटर, कि हम लोग इसको यूज़ करके ही हम कुछ करेंगे। एडिशन लगाना है तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार लगाएंगे, लैपटॉप में स्टार होता है, डिवीजन करना है तो ऐसे स्लैश लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल करना है तो ये वाला एक साइन लगाएंगे, परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज का साइन आपको पता है। तो ये जितने भी साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में आपने दो इस तरीके से लगा दिया कि वो बंद हो रहा है, उसका मुंह बंद हो रहा है इधर से ऐसे करके, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड लेस देन इक्वल टू है। तो आपको कैसे यूज़ करना है इसको आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में कॉन्कटेशंस होती हैं। कॉन्कटेशन कैसे? डबल इन्वर्टेड कॉमास, एंड का आपको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मूलाज में आती हैं। कॉलन का यूज़ करना, जब भी आपको कोई रेंज देनी होती है तो आप कॉलन का यूज़ करते हो। जब भी आपको फॉर्मूलाज के अंदर, जब आप एक से एक चीज़ पे बढ़ते जाते हो तब आप कॉमा का यूज़ करते हो। जब भी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं चाहिए या पर्टिकुलर टेक्स्ट चाहिए तो आप स्पेस का यूज़ करते हो। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स इन एक्सेल, जो कि हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके पास आते जाएंगे। डिवाइड, अगर आपने कोई गलत डिवाइड किया तो डिवाइड स्लैश बाय ज़ीरो आता है। ये
एरर्स को क्यों समझना ज़रूरी है? देखिए, जब आपके आपको पता हो ना कि ये एरर इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आता है, तब आपके लिए इजी हो जाता है उस एरर को ठीक करना। अभी सोच के देखिए, कोई एरर आ गया और आपको ये नहीं पता ये एरर किस वजह से आता है, तो आप पहले तो वजह ही ढूंढने में लगा देंगे, उसके बाद जाकर आप एरर सॉल्व कर पाएंगे। और यहीं पे ही अगर आपको पता हो कि कोई पर्टिकुलर एरर किस रीज़न की वजह से आता है, तो आप इजीली उसे कर सकते हो। तो एरर को जब हम फॉर्मूलाज लगाएंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होती है? एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है अगर एडवांस्ड में ही, वो इतना डिटेल में एडवांस में पूछ सकते हैं कि रेफरेंसेस कितने टाइप का होता है। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस होता है। मैं बात करती हूँ जो रिलेटिव रेफरेंस होता है, उसके अंदर कोई भी आपको किसी भी तरीके का नॉर्मल जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो रिलेटिव रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में जब मान लीजिए आपके पास जैसे A1 है, A1 सेल है, A1 क्या है, A उसमें क्या है कॉलम है, 1 उसमें क्या है रॉ नंबर है, जब आप दोनों पे डॉलर साइन लगाते हो उसे लॉक करने के लिए, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट रेफरेंस कि आपने पूरे को लॉक कर दिया है। लेकिन वहीं पे ही अगर आप किसी एक को लॉक करते हो, मतलब आपने कॉलम लॉक किया है लेकिन रॉ को लॉक नहीं किया है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस, कि मतलब एक बंदा तो लॉक नहीं है, मतलब सेल तो लॉक, कॉलम तो लॉक नहीं है, रॉ लॉक है, या फिर कॉलम लॉक है रॉ लॉक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रेफरेंसेज होती हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फीचर्स पे। देखिए, थियोरी का मुझे इतना ही बताना था क्योंकि मैक्सिमम आप जितना भी करेंगे, जैसे ही आप फीचर्स एंड फॉर्मूलाज कर लेंगे तो आप एमसीक्यू करने के लिए लायक हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपका थियोरी कवर हो जाएगा। इतना थियोरी नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन होता क्या है? सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है, एंड सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ फीचर है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट करना। आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे लिस्ट के जैसे क्रिएट हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन का साइड में साइन आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो नीचे एक लिस्ट आ जाती है और फिर आप आंसर कर सकते हो। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है? मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ बस ये सारे नाम आ जाए, ये सारे के सारे नाम आ जाए, तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी? मैं सेल के अंदर जाऊँगी, डेटा के अंदर जाऊँगी, डेटा के अंदर जाकर मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगी। डेटा वैलिडेशन मैंने लिया, यहाँ पे मेरे को ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, लिस्ट पे जाना है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है क्योंकि मुझे पाथ देना पड़ेगा कि मुझे क्या लिस्ट चाहिए। देखो, आपके पास 2 या 3 चीज़ ही हैं जो कि आपको उसमें ड्रॉप डाउन में चाहिए, जैसे पास फेल चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ चाहिए, तो ये सब आप लिख भी सकते हो, कॉमा लगा के आप लिख भी सकते हो। लेकिन अभी मुझे बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सब कुछ मैं लिखने तो नहीं वाली हूँ। सिंपली आप क्या करें, आप इसे सेलेक्ट कर लें एंड ओके कर दीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन बन गया एक, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी वो कर सकती हूँ, कोई भी नेम इसमें ला सकते हैं। तो ये चीज़ जब भी आपको कोई रिपोर्ट जनरेशन हो गई, या फिर जहाँ आपने कोई आउटकम निकाल रखा, जहाँ आपको अलग अलग पार्टीज़ का दिखाना है कि अपनी मर्जी से कोई पार्टी चूज़ करेंगे एंड देन ये कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन बहुत काम आएगा आपको। क्या किया आपने, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया, यहाँ से लिस्ट को चूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पे पाथ दे दिया कि कौन सी लिस्ट है, कहीं पे कोई लिस्ट लिखा होगा। अगर लिस्ट नहीं लिखना था, मान लीजिए मुझे ये हटा के मुझे नॉर्थ साउथ का चाहिए था, तो नॉर्थ कॉमा साउथ कॉमा ईस्ट कॉमा वेस्ट, मैंने ये किया एंड मैंने ओके किया। तो देखिए, यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इन सब का आ गया है, वो वाला हट गया है क्योंकि मैंने उसका पाथ ही इरेज करके फिर ये किया ना, तो वो वाला हट गया और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ये लग गया। तो पहला फीचर आपका था डेटा वैलिडेशन का। चलिए हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। मान लीजिए मुझे इस डेटा में से कुछ ढूंढना है या फिर उसको रिप्लेस करना है, इस गोल्डन किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है और मुझे वो चेंज करनी है। ये PTS के ऐड एक्सपर्ट जो लिखा हुआ है वो बाकी सब लोग कैप्स में हैं, ये शॉर्ट में है, तो मुझे इसे कैप्स में करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एच कर लिया, कंट्रोल एच में मैंने इस PTS के ऐड एक्सपर्ट को, एक सेकेंड, इसको एक काम कीजिए ऐसे रखिए, कंट्रोल एच कीजिए, ओके, एंड मेरे को ये PTS के ऐड एक्सपर्ट वाला चेंज करना है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल सी किया, यहाँ फाइंड व्हाट में कंट्रोल वी कर लिया, तो यहाँ पे ये कॉपी हो गया। एक तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं फाइंड ऑल कर सकती हूँ कि ये पूरी शीट या पूरी वर्कबुक में मुझे ढूंढ के दे दे, लेकिन मुझे ढूंढना नहीं है। ढूंढने का आपको पता है कि आपको यहाँ पे लिखना है और फाइंड ऑल पे जाना है, तो आपको मिल जाएगा पूरी शीट में वो चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा। बट मुझे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस में क्या लिखना है, PTS कैड एक्सपर्ट हमने लिखा एंड हमने रिप्लेस ऑल कर दिया कि जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ रिप्लेस कर दो। तो देखो, आपका ये रिप्लेस हो गया है, अब ये भी कैप्स में आ गया है,
जैसा मैंने लिखा था वैसा आ गया। तो जब भी आपको कभी भी कुछ भी चेंज करना हो, जस्ट सिंपली प्रेस। क्या प्रेस करेंगे आप, मैं आपको शॉर्टकट की बता रही हूँ, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट आपके पास पहले से है, तो यहाँ पिक्चर में जाके, दिस डिवाइस में जाकर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जो भी आपके डिवाइस में अवेलेबल होगा, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ रिमूव डुप्लीकेसी। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपना डेटा को सेलेक्ट करूँगी, साथ ही साथ में डेटा में जाऊँगी, डेटा वैलिडेशन के जस्ट ऊपर लिखा होता है रिमूव डुप्लीकेट्स, आपको इसको क्लिक करना है, ओके करना है, एंड हियर वी गो। तो देखिए आपकी डुप्लीकेसी हट गई है, और उसके बाद आप चाहें तो कॉपी करके अपने डेटा को कहीं पर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डेटा कर सकते हैं। आप डुप्लीकेट्स को हटा सकते हो एक यूनिक फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला आता है यूनिक, उससे हटा सकते हो, बट ये आपको इजी पड़ता है, तो हम इजी टास्क पहले करेंगे, हम वो काम पहले करेंगे जो कि हमें इजी पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रीज पेन। देखो फ्रीज पेन जब भी हमें करना होता है, तो जो हेडिंग हमें, देखिए अब मैं नीचे जा रही हूँ तो ऊपर की हेडिंग चली गई है, तो मैं जब एंट्री करूँगी तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसलिए जो हेडिंग आप चाहते हो फिक्स हो जाए, उससे नीचे वाली एक हेडिंग लो, उसे सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, फ्रीज पेन कर दो। अब देखिए अब मेरे पास, मैं जब नीचे एंट्री करती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली हेडिंग मुझे दिख रही है। मान लीजिए मैं इसे फिक्स जो किया हुआ है उसे हटाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली फ्रीज पेन पे जाऊँगी एंड अनफ्रीज कर दूँगी। अब देखिए अब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, आपको जो फ्रीज करना है उसके नीचे वाला हेडिंग को चूज़ करो एंड उसके बाद फ्रीज पेन में जाओ एंड फ्रीज कर दीजिए। तो देखिए फ्रीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रीज पेन कर सकते हो। चलिए हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसे अनफ्रीज कर। नेक्स्ट आपके पास आता है टेबल क्रिएशन। मान लीजिए कोई डेटा है, ऑल दो ये डेटा भी टेबल के फॉर्मेट में है, स्टिल हमें इसमें टेबल बनाना है। मैं आपको फ़र्क समझाती हूँ कि नॉर्मल डेटा और टेबल क्रिएशन में क्या फ़र्क है। नॉर्मली देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ नीचे एंट्री करनी है, तो मुझे 12 लिखना है, मुझे ईस्ट लिखना है, मुझे यहाँ कोई नाम लिखना है, मैं अपना खुद का नाम वैसे ही लिख देती हूँ एक बार के लिए, सिंगल लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ कोई क्वांटिटी लिखी, उसके बाद मैंने यहाँ कोई रेट लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आई, जबकि ये भी वैल्यू, ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, एट द रेट, इसको मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं आया, बट अभी ये सिनेरियो टेबल के केस में नहीं होता। टेबल के केस में क्या आपको फ़ायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, आपको अलग से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती। तो आप कहीं पे भी इसको, इस पूरी रेंज को ले लीजिए, कंट्रोल टी कीजिए, तो आपका टेबल का ये आ जाएगा, और माई टेबल हैज़ हेडर, दैट मीन्स ऊपर वाली जो लाइन है वो उसको एज ए हेडिंग ट्रीट करेगा, एंड ओके कर दीजिए, तो ये टेबल बन गई। अब देखें, अब करके देखें, 12 ईस्ट, देखिए बॉर्डर अपने आप लग चुका है, मैंने नहीं लगाया है, तनु सिंगल 1563 एंड 1856। तो देखिए अमाउंट भी आ गया है। तो टेबल होने का ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों को बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग चलती रहती है। साथ ही साथ में आपको ऊपर फिल्टर्स भी ऑन मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है चार्ट क्रिएशन। मान लीजिए इस डेटा का आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो आपको किस किस डेटा का चार्ट क्रिएट करना है। मुझे नॉर्थ साउथ का लेना है, साथ ही साथ में मैं अमाउंट के साथ लेती हूँ, तो दोनों का सिलेक्शन के लिए मैंने कंट्रोल को होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ऑल्ट F1 प्रेस कर दूँगी, तो अब मैं क्या करूँगी, ऑल्ट F1 प्रेस कर दूँगी, तो इसने मुझे डेटा चार्ट बना के दे दिया। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे कभी भी कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है कि चार्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, कौन कौन से चार्ट कब कब हमें बनाने चाहिए, तो मैंने चार्ट की फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप चार्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें चार्ट मिल गया है। अब हम चाहें तो कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए कलर चेंज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये ब्रश पे गए, कलर पे गए, एंड मुझे इस तरीके का कोई कलर चाहिए, तो हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताया, ऑल्ट F1।
अच्छा, अगर शॉर्टकट की से नहीं बनाना है तो आपने ये डेटा सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया अमाउंट, एंड उसके बाद आप इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से कोई भी चार्ट आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा चार्ट आपके लिए बेहतर होगा तो आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जा सकते हो। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो रिकमेंड कर देगा कौन सा वाला चाहिए। मान लीजिए मुझे ये चाहिए, मैंने ओके किया एंड हियर वी गो, ये इसने पिवट टेबल बना के दे दिए मुझे। पिवट नहीं चाहिए था मुझे, ये वाला नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, ये बेटर है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द चार्ट्स। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दैट इज़ नंबर फॉर्मेट। मान लीजिए नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है मैं वो बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आप इसको इस तरीके से इसमें कोई ये लगाना चाहते हैं, कोई कॉमा लगाना चाहते हैं, कॉमा वाले होते हैं ना अमाउंट्स, वो करना चाहते हो तो आप ऐसे लगा सकते हो। ये हैशटैग कब आता है? हैशटैग तब आता है आपके सेल की विड्थ कम हो तो, तब हैशटैग आता है। सेल की विड्थ को ठीक करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? ओल्ट ओ सी ए, अरे कंट्रोल जेड करो, इसका पूरा सिलेक्शन करो, ओल्ट ओ सी ए करो। देखो आपका आ गया, लास्ट में जीरो लग गया। इस तरीके से नंबर्स लिखे जाते हैं ना, हम जो इंडियन फॉर्मेट में लिखते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये क्या था? नंबर फॉर्मेट था। नंबर फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे डेट लिखा 1, 2 एंड 2024, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब अभी ये इस फॉर्मेट में है। मान लीजिए मुझे किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, कोई लॉन्ग डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके लॉन्ग डेट ले सकती हूँ। तो देखो 1 फरवरी लिख के आया। ओके, नंबर फॉर्मेट में और क्या हो सकता है? टाइम के लिए आ सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 03, 20, तो अभी मुझे पता है ये 320 है, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ, दैट इज़ टाइम। तो ये देखो 320, और फिर इसने सेकंड वाला भी दे दिया कॉलन लगा के अच्छे से। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ को आपको पूरा बड़ा बड़े बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, पर्सन नेम, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, आपको कुछ भी चाहिए आप कर सकते हो। और यहाँ से कस्टम भी बना सकते हो कि अगर आपको कस्टम चाहिए होता है तो। नंबर फॉर्मेट के बारे में वो लोग आपसे नॉर्मली डेट का पूछेंगे तो आप डेट का कर सकते हो, टाइम का पूछेंगे टाइम का कर सकते हो, साथ में आपसे इस तरीके से अगर आपको कॉमा लगाना है ये कर सकते हो। मान लीजिए मैं डेसिमल नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती इतने डेसिमल्स हों, मैं नहीं चाहती बाद वाले जीरो हो, तो आप ऐसे इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। और अगर डेसिमल के बाद आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो। देखो ये बढ़ गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कम कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे बस ये कॉमा लगाना था, मैंने कॉमा लगा दिया है। ओके, मान लीजिए मुझे यहाँ कुछ परसेंटेज में चाहिए तो मैं परसेंटेज लगा दूंगी। तो इस तरीके से काम करता है आपका नंबर फॉर्मेट। उसके बाद हम आते हैं पे स्पेशल पे। नॉर्मली आपने सुना होगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, बट ये जो फीचर है दैट इज़ पेस्ट स्पेशल। इसके अंदर होता है कि मान लीजिए देखिए ये आपका डेटा लिखा हुआ है, एंड जब भी हम डेटा को सजाते हैं, जब भी हम उसे सजाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमने सजाया हुआ है, इसमें हम बॉर्डर्स लगाए हुए हैं, कलर डाला हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें की हुई हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अभी क्या है कि ये सजा हुआ है लेकिन मुझे जहाँ पे चाहिए मुझे सजा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इसको सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल सी करूँगी। लेकिन अभी पहले मैं आपको बेसिक करके दिखाती हूँ कंट्रोल वी से क्या होता है। कंट्रोल वी किया, एज इट इज़ सारी चीज़ें आ गई, एज इट इज़ सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ना वो कलर चाहिए था, ना मुझे बॉर्डर्स चाहिए थे, ना मुझे वो बोल्ड चाहिए था, मुझे सिंपली एक वैल्यूज चाहिए थी। तो मैं अभी के लिए मैं कैसे उसको करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, कंट्रोल वी की जगह कंट्रोल ओल्ट वी करूँगी, तो यहाँ पे आ गया। अब आपको कोई भी चीज़ जो कॉपी करके लानी है ना वो ले आओ, या फॉर्मूलाज लाना है, वैल्यू लाना है, खाली फॉर्मेटिंग लानी है। मान लीजिए तो देखिए खाली फॉर्मेटिंग आ गई, खाली टेबल बन गई आपकी, आप उसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखा हुआ, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए था डेटा डेटा आ जाए, फॉर्मेटिंग ना आए, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए आप इधर आएँ, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करें एंड ओके कर दें। तो देखिए आपकी सिर्फ वैल्यूज़ वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई? वैल्यूज़ वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो। अब आप चाहे कैसी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो पेस्ट स्पेशल एक ऐसा फीचर है जो कि आपको बहुत सारी तरीके से पेस्ट करने की ऑप्शन देता है। मैं आपको और दिखाती हूँ कि मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया हुआ है फिलहाल के लिए, कॉपी कंट्रोल ऑल्ट वी। तो मान लीजिए आपको वैल्यू करना है, वैल्यू कर सकते हैं, फॉर्मूलाज करना है, फॉर्मूलाज कर सकते हो, कोई कमेंट इन नॉट कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, वैलिडेशन कॉपी करना है तो ऊपर से ला सकते हो एंड वैलिडेशन को यहाँ कॉपी कर सकते हो, एज इट इज़ रहेगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और सिखाती हूँ। मान लीजिए मुझे इन जितने भी ये नंबर्स हैं ये गलत लिखे हुए हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं ये गलत लिखे हुए हैं, और मैं इसके अंदर 100 और ऐड करना चाहती हूँ, सब 100 कम किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, कहीं पर भी 100 लिखूँगी एंड मुझे इसमें 100 ऐड करना है इन सभी में। ये जनरली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, मुझे इनमें इन सभी नंबर में 100 ऐड करना है,
100 ऐड करना है, तो कैसे करूँगी, मैं इसे कॉपी करूँगी और जहाँ जहाँ मुझे 100 ऐड करना है उसे सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगी एंड मुझे क्या करना है, ऐड करना है ना इस 100 को, ऐड पे क्लिक करूँगी एंड ओके कर दूँगी। तो देखिए सारे में ऐड हो गया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंट्रोल जेड, ये 452 था, 632 था, अब भी देखें ये 552 है, 732 है, तो ये 100 ऐड हो गया। ठीक वैसे ही अगर मुझे पुराना चाहिए, मुझे माइनस करना है, 100 माइनस करना है मुझे, ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगी, अब मुझे माइनस सेलेक्ट करना है, मुझे माइनस सेलेक्ट करना है, माइनस सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीज़ माइनस हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद और फीचर्स देख लेते हैं, इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया और फिर कहीं जाके मैं कंट्रोल ऑल्ट वी कर रही हूँ, मेरे को अभी आपको और फीचर समझाने हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के पास आपके पास ये रहे, बाकी चीज़ें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है तो वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मेन ये वाले होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है, नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे कॉलम्स में लिखा हुआ है ना, मुझे चाहिए कि रॉ में लिख के आए, ये चार चीज़ ऐसे सीधा सीधा नहीं, रॉ में लिख के आए, तो मेरे को कंट्रोल सी किया, कहीं पे भी जाके यहाँ पे आ गई हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट वी किया एंड जब भी हमें डेटा जो इस तरीके से लिखा है वो ऐसे चाहिए, मतलब हॉरिजेंटल चाहिए, और अगर हॉरिजेंटल लिखा है तो वर्टिकल चाहिए, तो हम चूज़ करते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करो, ओके करो, तो देखो इस तरीके से लिख के आ गया, पहले वो ऊपर कैसे था, इस तरीके से कॉलम में लिख के था, अभी हर रोम में लिख के आ गया, तो दैट इज़ योर पेस्ट स्पेशल। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ कोई चीज़ हाईलाइट कराना चाहते हैं तो कैसे हाईलाइट करा सकते हैं, सिंपल है। मान लीजिए मैं इसमें ये करना चाहती हूँ कि उस चीज़ को हाईलाइट कर दो जहाँ साउथ लिखा हो, साउथ साउथ वाला पोर्शन हाईलाइट कर दो, तो मैंने सेलेक्ट किया जो हाईलाइट कराना चाहती हूँ, होम पे गई, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, हाईलाइट सेल रूल्स में गई, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स में गई एंड जिसमें नॉर्थ, चलो नॉर्थ को करना चाहती हूँ रेड कलर का, तो नॉर्थ कर लिया एंटर, तो नॉर्थ मेरा रेड कलर का, साउथ को मैं ग्रीन करना चाहती हूँ, वापस से सेलेक्ट करो, होम में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, इसमें जाओ एंड ग्रेटर देन सॉरी टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाओ, यहाँ पे साउथ लिखो, एक सेकेंड मैंने गलत लिखा है, साउथ उसको ग्रीन कर लो एंड ओके कर दो, तो देखो आपका साउथ ग्रीन कलर का हो गया। मान लीजिए आप चाहते हो हाईलाइट करना इस सेल में जो सबसे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन, मतलब आप चाहते हो 5000 से ऊपर वाले सारे हाईलाइट हो जाए, तो होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ग्रेटर देन किससे ज़्यादा हो, 5000 से ज़्यादा हो, 5000 से ज़्यादा हो तो आप उसको ग्रीन कर दो, तो इसने ग्रीन कर दिया है जो जो 5000 से ज़्यादा थे। मान लीजिए आप इसमें कर रहे हो कि ग्रेटर देन का पता है, आप इसमें कर रहे हो कि भाई 30 लाख से नीचे नीचे जितनी है ना वो बता दें, तो होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, इसमें जाएंगे, लेस देन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप 30 लाख लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 30 लाख से नीचे ये दो अमाउंट थी आपकी, तो आपकी आ गई है, इस तरीके से उसने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ, जैसे हाईलाइट सेल है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, मान लीजिए यहाँ इस वाले में, इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, इसको सेलेक्ट किया एंड होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल में गए, बिटवीन पे गए, मुझे जानना है 500 से 1000 के बीच के कौन कौन से हैं, 500 से 700 के बीच क्या कर लेते हैं, 1000 में तो सभी आ जाएंगे एंड उसको येलो कर दो, येलो एंड ओके। तो देखिए इस तरीके से उसने मुझे येलो कर दिया, 500 से 700 के बीच वाले जितने भी नंबर्स थे उन सभी में, ठीक है। और आप देखते हैं, देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेटा अक्रिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर हैं, मान लीजिए कोई डेटा दिया और आपको जानना है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कॉपी कर दीजिए, मतलब कलर कर दीजिए, तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं आपकी कलर हो जाएंगी। डुप्लीकेट वाले पे जाके चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ काफ़ी हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, अपना पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। होम पे गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल पे गए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को किया, सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट है क्योंकि सारी नीचे वापस से कॉपी हो रही है ना, तो सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट है, तो इसने सभी को ही रेड कर दिया क्योंकि मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
सो दैट इज़ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको और थोड़े से फीचर्स दिखा देती हूँ इसके अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हो। टॉप बॉटम वैल्यू, मान लीजिए आपके जो मैनेजर हैं वो आपको कह रहे हैं कि इसमें से मुझे सबसे पहले इसमें से ना कोई रूल हटाना है, इसमें ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, आप चाहते हो कि आप दूसरी लगा दें और इसको ख़त्म कर दें, तो क्लियर रूल्स पे जाओ, क्लियर फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल करो, तो इसमें से हट गया, ओके फाइन अब नया लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, टॉप 10 जितने आइटम है ना मुझे बता दो, टॉप 2 जानना, टॉप 3 जानना, मुझे 10 नहीं जानना, बड़ा डेटा नहीं है, और उसको ग्रीन में कर दो, ओके तो ये टॉप 3 हैं आपके, आपको पता लग गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10, टॉप 10%, बॉटम 10, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो ये सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ रूल्स देखने हैं जो आपने पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो आप यहाँ से देखते हो। करंट सिलेक्शन हमने कुछ नहीं कर रखी, हमने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, सबसे नीचे आए मैनेज रूल्स में, तो ये देखो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। अब आपने कोई भी एडिट करना है, ये एडिट करना है, इस पे गए और एडिट रूल पे गए, तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बस आपको जो मेन याद रखना होता है वो ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर लेस देन, या फिर बिटवीन, या टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फिल्टर्स। फिल्टर्स को कैसे लगाया जाता है, देखिए आप कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल कर लीजिए तो आपका लग जाएगा। मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट एल, एक साथ प्रेस करना है। अगर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो आपके फ़िल्टर्स लग जाते हैं। फ़िल्टर्स की हेल्प कैसे होती है, जैसे फ़िल्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैं चाहती हूँ नॉर्थ का डेटा देखना, सिर्फ नॉर्थ का, तो मैंने इसको तो सबसे पहले डीसेलेक्ट कर दिया कि कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, नॉर्थ पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया, तो देखिए मेरे पास नॉर्थ का डेटा आ गया। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास साउथ का डेटा आ जाए, तो मैंने साउथ का क्लिक किया तो ये साउथ का डेटा आ गया। मान लीजिए मैं चाहती हूँ साउथ और वेस्ट दोनों का आ जाए, तो देखिए मैं दोनों का आ गया। आप फ़िल्टर किसी भी अकॉर्डिंग लगा सकते हो, यहाँ पे पार्टी नेम के थ्रू या किसी भी थ्रू, लेकिन फ़िल्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कोई शीट दे दी जाती, कोई डेटा दे दिया जाता और कहा जाता है कि ये वाली चीज़ मुझे बताओ, तो फ़िल्टर्स आपको बहुत हेल्प करेगा, उसे फ़िल्टर करके आप वो वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके फाइन। भी हमें मान लीजिए 100 तक कोई सीरीज़ फिल करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये यहाँ पे रखें, होम पे जाएंगे, फिल लेंगे, फिल सीरीज़ पे जाएंगे, हमें 1 से चाहिए, स्टॉप वैल्यू क्या चाहिए, हमें 100 चाहिए, एंड रॉज में नहीं, हमें कॉलम्स में चाहिए, एंड ओके। तो देखिए इसने यहाँ पे फिल करके दे दिया मुझे। कैसे किया मैंने, कहीं पे भी आप लिख लीजिए 1, एंड उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, अपने होम पे जाइए, वहाँ पे जाके अपने फिल में जाना है, फिल में जाके सीरीज़ पे जाना है, 1 से जहाँ तक आप बताना चाहते हो, 100 तक बताना चाहते हो, ओके कर दो, तो इस तरीके से आपकी सीरीज़ फिल हो जाएगी। ये भी बहुत कुछ पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप सीरीज़ फिल करके दिखाइए। मान लीजिए कोई डेट लिखी है आपने 18/2/2024, ये लिख दिया आपने, अभी आपको इसके नीचे की सारी डेट्स चाहिए, तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको ऐसे ड्रैग कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ सालों का डेटा है और वैसा चाहिए, तो होम पे जाओगे, फिल पे जाओगे, सीरीज़ में जाओगे, यहाँ डेट चाहिए मुझे एंड डे से चेंज होना चाहिए, यहाँ पे मैं अपनी 1 लिखूँगी, और यहाँ पे जैसे ही मुझे जहाँ स्टॉप करना है, मान लीजिए मुझे 31 मार्च तक करना है, तो मैंने ये ओके किया एंड एंटर, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ओल्ट ओ सी ए करेंगे, एंड देखिए 18/19 और आपकी सारी सीरीज़ यहाँ फिल हो गई है। इस तरीके से आप अपनी सीरीज़ को फिल कर सकते हैं, चाहे डेट का हो चाहे नॉर्मल नंबर वाला हो, इस तरीके से आप अपनी शीट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास आता है अलाइनमेंट एंड मर्ज। अलाइनमेंट क्या होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका ये जो पूरा डेटा है वो लेफ़्ट साइड में दिखे, तो आप होम पे जाएंगे एंड ये जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। आप चाहते हो ऊपर की तरफ दिखे तो ऊपर, नीचे की तरफ दिखे तो नीचे, ये ज़्यादा डिफरेंस लाता नहीं है, बट आप इसको मिडल में रखो, मिडल में हमें डेटा सही दिखता है। राइट करना चाहते हो तो राइट, दैट इज़ योर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करना है तो आप इस इन डेटा को थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी करके अपनी मर्ज़ी से भी जितना साइड में करना चाहते हो वो कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। जितना लेफ़्ट में करना चाहते थे हमने कर लिया, बट यहाँ से अलाइनमेंट आप ठीक कर सकते हो। आप चाहें तो अपने डेटा को किसी एंगल वाइज, क्लॉक वाइज इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंटर। आपने देखा होगा ना अपने हेडिंग्स में कि लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो आप अपने इस वाले ऑप्शन से सारे को क्या कर सकते हो, अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मान लीजिए ये ओल्ट ओ सी कर लेते हैं,
कंट्रोल जेड, हमने किया कंट्रोल ए एंड ओल्ट ओ सी ए, हमने ये कर दिया। अब मान लीजिए ये जो हमारी है ये ऐसे है, ठीक है, और अब हमें ना इतनी ही विड्थ में इस डेटा को एडजस्ट करना है, हम लोग इस विड्थ को बढ़ाना नहीं चाहते, तो हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं, रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब होता है उसे बांध दिया, उसे बांध दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि इसी में ही रहे, विड्थ तो इतनी रहे, लेंथ बढ़ जाए बेशक, वो बड़े बड़े बॉक्सेस हो जाएँ लेकिन विड्थ इतनी रहे, तो मैं यूज़ करूँगी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कर दो तो देखो ये बड़ा बड़ा से हो गए, एक ही में आ गए, विड्थ इतनी ही रही जितनी सबकी है मान लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए ना कि विड्थ भी इतनी रहे, लेंथ भी इतनी रहे, मेरा टेक्स्ट छोटा हो जाए। या तो आप मैन्युअली करोगे, मैन्युअली नहीं करना, आप हर चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप होम पे जाओगे, ये छोटा सा एक्सटेंशन दिख रहा है, एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे एंड श्रिंक टू फिट करोगे, मतलब सिकुड़ जाए जब तक ये फिट ना हो, सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का मतलब क्या है, छोटा हो जाएगा वो। तो देखिए जो जिस हिसाब से सिकुड़ना, सिकुड़ने से जो जिस हिसाब से उसके अंदर आ सकता था, सी पी टी स्कैड एक्सपर्ट छोटा था तो ये आ गया, जेनिथ छोटा था, बैनियन ट्री छोटा सा तो ये आ गया, बाकी सब और छोटे हो गए हैं, तो उस तरीके से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ योर श्रिंक एंड रैप टेक्स्ट होता है कि विड्थ तो उतना ही रहेगा, लेंथ बढ़ जाएगा आपके सेल का, दैट इज़ योर रैप टेक्स्ट। अच्छा मान लीजिए आपको कोई हेडिंग लिखनी है, ऊपर आपको ये लिखना है अकाउंट्स एक्सपर्ट, मुझे ये लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अकाउंट्स एक्सपर्ट। लेकिन क्या एक बात बताएं, अकाउंट्स एक्सपर्ट मैंने यहाँ लिख दिया, क्या मैं ऐसे करूँ एक बार यहाँ लिख दूँ, एक बार यहाँ लिख दूँ, फिर सब में कलर कर दूँ, नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन कर लीजिए, शिफ्ट से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से कर सकते हो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपको शॉर्टकट की बता रही हूँ वो यूज़ करना, लॉन्ग तरीका भी बताऊँगी, ऑल्ट एच एम सी, ऑल्ट एच एम सी, होम पे अगर जाते तो कहाँ से कर सकते थे, यहाँ मर्जन सेंटर से, मैं आपको शॉर्टकट की याद करना बता रही हूँ, ऑल्ट एच एम सी, आपको क्या चाहिए था, ऑल्ट एच से हमारी सारी कीज़ खुलती है, देखो ऑल्ट दबाया तो सारी कीज़ ऊपर खुल गई हैं, मुझे होम पे जाके चीज़ें करनी है तो मैं एच प्रेस कर दूँगी तो होम की कीज़ खुल गई हैं, मुझे क्या करना था, मर्ज इन सेंटर, मर्ज स्टार्ट्स विद एम एंड सेंटर स्टार्ट्स विद सी, तो एम सी। अब मान लीजिए मुझे मर्ज अक्रॉस करना था, मान लीजिए मेरे को यहाँ दो हेडिंग बनानी है, एक अकाउंट्स एक्सपर्ट और नीचे लिखना है एक्सेल डेटा, एक्सेल डेटा। अब क्या मैं एक एक को करने बैठूँगी, एक एक को ऑल्ट एच एम सी करूँगी, एक एक को मर्ज करने बैठूँगी, नहीं, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगी। लेकिन अगर मैंने ऑल्ट एच एम सी कर दिया, ऑल्ट एच एम सी कर दिया तो ये कहेगा मैं अपर वैल्यू रखूँगा, मतलब खाली अकाउंट एक्सपर्ट रखूँगा बाकी को नहीं मानूंगा, बट मेरे को ऐसे नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट एच एम ए, दैट मीन्स मर्ज अक्रॉस, ये आपको अलाइनमेंट करके नहीं देगा, अलाइनमेंट आपको खुद करना है, मर्ज इन सेंटर में हो जाता है क्योंकि दैट इज़ मर्ज इन सेंटर, कि सेंटर में ले आओ, उसने अलाइनमेंट कर दिया, लेकिन मर्ज अक्रॉस अलाइनमेंट नहीं करता। साथ ही साथ में देखो इसने आपको दोनों ही एक बार में मर्ज करके दे दिया है, ठीक है, दोनों ही मर्ज करके दे दिया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, मर्ज, रैप एंड श्रिंक, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, दैट इज़ मर्ज अक्रॉस। आप यहाँ पे होम पे जाके या मर्ज इन सेंटर के में देखोगे तो मर्ज अक्रॉस भी होता है, सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन मेन ये होते हैं। पिवट टेबल, पिवट टेबल को हम सीखेंगे उसके बाद देखते हैं। ओके लेट मी जस्ट चेक कि कोई और फीचर तो नहीं बचा हुआ है, देन वी विल प्रोसीड विद द अनदर थिंग। मेन में आते हैं, फॉर्मूलाज में नहीं, फॉर्मूलाज अभी हमने नहीं कराया। फ्रीज पेंस यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है सारी चीज़ें। अब पिवट टेबल आता है, उसके बाद प्रोटेक्शन, रिमूव हेडिंग एंड ग्रिड लाइंस एंड हाइपरलिंक, ये आता है। ओके फाइन, हम आपको ये सिखाएंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। पिवट टेबल में आपको बाद में कराऊंगी। मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो शीट आपने बनाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और आपका डेटा कोई और टच ना करे, चेंज ना करे, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली है ना अपने होम टैब में जाओगे, फॉर्मेट में जाओगे, प्रोटेक्ट शीट में जाओगे, यहाँ पे तीनों चीज़ टिक होनी चाहिए, यहाँ पे आप कोई पासवर्ड दे दोगे, मैंने पासवर्ड दे दिया एंड ओके कर दिया, यहाँ पे रिपीट करो अपना पासवर्ड एंड ओके कर दो। एंड नाउ देखो जब भी मैं शीट में कुछ भी लिखूँगी तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, देख तो सकते हैं बट कुछ कर नहीं सकते, पासवर्ड मांगेगा, मैंने किया ओके। अगर मुझे पासवर्ड हटाना हो तो इस पर क्लिक करूँगी, अनप्रोटेक्ट शीट पे करूँगी, 1 2 3 प्रेस करूँगी एंड ओके कर दूँगी, ठीक है। मान लीजिए आप खुद ही वो शीट चला रहे हैं, पहले मैं इसे लॉक कर लेती हूँ, प्रोटेक्ट शीट किया, यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 एंड मैंने ओके किया, यहाँ पे मैंने दिया 1 2 3 ओके कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है,
लेकिन मैं भी नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं ओके करूँगी, होम पे जाऊँगी, फॉर्मेट पे जाऊँगी, अनप्रोटेक्ट कर लूँगी, यहाँ से भी हो जाता है ये 1 2 3 एंड ये कर लिया, और बाद में दोबारा लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक हाइपरलिंक का, कि हाइपरलिंक करना। मान लीजिए मैं अपनी पुरानी वाली शीट खोल लेती हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जब मेन शीट में आती हूँ ना, तो मेरे को ना बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। मैं काम करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्या लिखती हूँ? एक तो मेरा थियोरी है, एक मेरी फीचर्स वाली शीट है, और एक मेरा फॉर्मूला वाली शीट है। तो मैं जब भी इन पे क्लिक करूँ, थ्योरी पे क्लिक करूँ तो थ्योरी पे पहुँच जाऊँ, फीचर पे क्लिक करूँ तो फीचर पे पहुँच जाऊँ, और फॉर्मूला पे क्लिक करूँ तो फॉर्मूला पे पहुँच जाऊँ। अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा? इसे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ लिंक का ऑप्शन आएगा। लिंक पे गए, अब इसमें पढ़िए, आप कुछ भी लिंक कर सकते हो। एग्जिस्टिंग फाइल जो कि आपके कहीं सिस्टम में है उसको भी लिंक कर सकते हो। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई प्लेस है उसमें भी कर सकते हो। कोई नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो या ईमेल एड्रेस से का लिंक बना सकते हो। मुझे प्लेस इन द डॉक्यूमेंट चाहिए, थ्योरी में मुझे थ्योरी ही चाहिए, एंड ओके कर दिया। तो देखिए लिंक की तरह आ गया। एक बार मैं इसे भी लिंक करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। इसको लिंक किया, उसके बाद मुझे फ़ीचर्स में ये चाहिए था तो मैंने फ़ीचर्स किया, मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये भी हो गया है। उसके बाद मैं फॉर्मूलाज की बात करती हूँ, तो देखिए एक शॉर्टकट की बता रही हूँ, कंट्रोल के करने से ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली खुल जाता है, आपको बार बार जाना नहीं पड़ता है। तो आप फॉर्मूलाज पे करोगे ना, ओके कर दोगे। अब देखो आप इसे क्लिक करो, फीचर वाली शीट पे पहुंच गए हो। आप फॉर्मूला पे क्लिक करो, फॉर्मूला वाली शीट पे पहुंच गए हो। आप थ्योरी पे क्लिक करो तो आप थ्योरी पे पहुंच गए। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी कोई लिंक जनरेट कर सकते हो, चाहे वो शीट आपके सिस्टम में हो या फिर आपने वो शीट खोल रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्रिड लाइंस वगैरह सब कुछ हटाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक शीट और ले लेती हूँ। मान लीजिए आपको ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे लाइंस दिख रही हैं, ये पतली पतली सी लाइंस दिख रही हैं, तो ये आप हटाना चाहते हो। तो आप इंसर्ट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे, तो ये देखो ये एरिया चला गया। तो जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हो तो ग्रिड लाइंस ऑफ कर सकते हो, कुछ ड्रॉइंग वगैरह कुछ करके दिखा रहे हो तो आप ग्रिड लाइंस ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो ये ऊपर की हेडिंग ना आए, नीचे ये जो रोज नंबर है ABCD वगैरह ये कुछ भी ना आए, तो आप हेडिंग को हटा सकते हो कि देखिए ये हट गया है हेडिंग। और उसके बाद आप चाहते हो ऊपर फॉर्मूला बार वगैरह भी कुछ ना आए, तो आप फॉर्मूला बार भी हटा सकते हो। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं। कहाँ जाके हटाया? व्यू में जाके, सारी चीज़ एक जगह लिखी हुई है, शो टैब के अंदर। तो इसके अंदर आप देख, शो ग्रुप के अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो और आप उसे क्लिक भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पिवट टेबल का। अब मैं आपको पिवट टेबल करा देती हूँ। पिवट टेबल का मतलब होता है कि हमें कोई आउटपुट निकालना है तो वो टेबल भी हमें ही जनरेट करनी पड़ती है। तो वो टेबल कैसे जनरेट करते हैं? जस्ट बिकॉज मेरा कर्सर यहाँ नहीं आ पा रहा है, नीचे आ जाते हैं, रुकिए, यहाँ पे पिवट टेबल क्या होती है? आप इस टेबल को सेलेक्ट कर लो एंड अपने इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाके या तो रिकमेंडेड पिवट टेबल ले लीजिए या पिवट टेबल ले लीजिए। पिवट टेबल लेंगे, इसने अपने आप पाथ ले लिया है। हमें ये ऑप्शन देता है कि आपको एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए या न्यू शीट में चाहिए। हम हमेशा न्यू शीट लेते हैं, इसे ओके कर लेते हैं। तो देखिए एक और शीट बन के आ गई है। अब हम कुछ भी तरीके की टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से रीजन में कितनी सेल हुई है, तो मैंने रीजन तो डाल दिया फिल्टर में, एंड पार्टी नेम डाल दिया रोज में, जो बड़ा नंबर होता है हमें रोज में चाहिए। क्वांटिटी नेम मुझे अमाउंट चाहिए वैल्यूज़ में, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गए। अब मैं यहाँ पे करती हूँ साउथ, नॉर्थ करती हूँ तो मुझे नॉर्थ का डेटा दे देता है। अच्छा चलो पहले तो ऑल ले लेते हैं। अब इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओल्ड पिवट चार्ट एनालाइज में जाके यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं एक। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए या पिवट एनालिसिस में भी जा सकते हैं, यहाँ से आपको पिवट चार्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका चार्ट वाला खुल गया है। अब आपने यहाँ पे चार्ट लगाना है एंड ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो देखिए आपका चार्ट आ गया। अब जैसे ही आप इसे मूव करते हो, जैसे ही आप नॉर्थ करते हो तो ये आ गया, साउथ करते हो तो ये चार्ट अलग से आ जाता है। एक चीज़ आप और मैं आपको बताती हूँ जो कि एडवांस फीचर है, दैट इज़ स्लाइसर एंड टाइमलाइन। मैं इसको कंप्लीट ले लेती हूँ एक बार के लिए। मान लीजिए मैं कोई स्लाइसर ऐड करना चाहती हूँ, मतलब अभी भी मुझे फ़िल्टर में क्या करना पड़ रहा है, उसको ड्रॉप डाउन पे जाना पड़ रहा है, फिर जाके हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी,
एंड पिवट एनालिसिस पे जाकर इंसर्ट स्लाइसर करूँगी. मुझे स्लाइसर किसका चाहिए? रीजन का चाहिए, ताकि मैं जिस रीजन पे जाऊँ उस पे मुझे पता लग जाए. नाउ दिस मैंने इसे एडजस्ट किया और मैंने यहाँ रख लिया. अब मुझे क्या है, मेरे को ईस्ट क्लिक करना है, ईस्ट का आ गया, इसका चार्ट भी आ गया. नॉर्थ क्लिक करना है, नॉर्थ का चार्ट भी आ गया. साउथ क्लिक करना है, साउथ का चार्ट भी आ गया. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी. देखो, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो. मैंने सब सेलेक्ट कर लिया, मेरा डेटा आ गया. मान लीजिए मैं अपने मेन डेटा में, जो कि मेरा फीचर्स वाला डेटा था, यहाँ पे जो डेटा था, इसकी जगह यहाँ पे ऊपर तनु सिंगल लिख रही हूँ. तनु सिंगल मैंने ये लिख दिया, तो क्या हमारा डेटा पिवट टेबल में चेंज हो गया है? यहाँ पे तो अभी भी बैनियन ट्री वेंचर्स हैं, या फिर जो भी नाम था यहाँ पे, कहीं पे भी तनु नहीं आया. तो ऐसा केस में, क्योंकि जो आपकी पिवट टेबल होती है वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं होती है, तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे पूरे को, आप पिवट एनालिसिस में जाएंगे एंड रिफ़्रेश में जाके रिफ़्रेश ऑल कर देंगे. तो देखिए, तनु सिंगल के नाम से ये आ गया है. अब आ गया, आपने तनु सिंगल जैसे लिखा था वो आ गया है. तो पिवट टेबल डायरेक्टली रिफ़्रेश नहीं होती है, आपको जाके रिफ़्रेश करना होगा. जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो पीछे बैक डेट में, जो बैक एंड में जो आपका डेटा चल रहा है, उस डेटा में जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे भी रिफ़्लेक्ट हो जाएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए था. तो इस तरीके से आपकी पिवट टेबल काम करती है, और आपको पिवट टेबल में इस तरीके से काम करना है स्लाइसर्स लगा के. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट फीचर देखेंगे, जो कि हमारे फीचर्स सारे कंप्लीट हो गए हैं. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. मेन में जाएंगे, देखिए फीचर्स में हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन किया, पिवट टेबल किया, स्क्रीनशॉट किया, फाइंड एंड रिप्लेस किया, डुप्लीकेसी हटाया, फ्रीज पिन किया, प्रोटेक्शन का बताया, हाइपरलिंक बताया, टेबल क्रिएशन, चार्ट क्रिएशन, नंबर फॉर्मेट, पेज स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर्स, मर्जिंग सेंटर, रैप टेक्स्ट, श्रिंक एंड रिमूव हेडिंग एंड ग्रिड लाइंस. मैंने आपको सारे फीचर्स करा दिए. ये सारे फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत बेसिक के साथ साथ एडवांस भी थे. आपको पता होना चाहिए जो भी बेसिक वर्किंग करेंगे. इसके बाद जो आपका आता है वो आते हैं फॉर्मूलाज, कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज करने को मिलेंगे. देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ फॉर्मूलाज, कि हमें फॉर्मूलाज करने हैं. मैं ये सारे फॉर्मूलाज आपको कराने वाली हूँ, एंड हम ये सभी फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज इंटरव्यूज़ में भी जर्नली आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है, इसी तरीके से नीचे है ना 10 केस स्टडी जैसा बना के दे दिया जाता है, 10 शीट दे दी जाती हैं, एंड आपको हर एक पे जाकर आंसर करना होता है. एंड देन वो एग्जामिन करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया, या आपने फॉर्मूला करेक्ट लगाया है या नहीं लगाया. देन दे विल डिसाइड कि आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है सम एंड सब टोटल. सम एंड सब टोटल को समझाने से पहले मैं आपको एक थ्योरी का भी क्वेश्चन दिखाती हूँ, जो कि मैंने लिखा हुआ था, कि एक थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डिफरेंस बिटवीन द सम एंड सब टोटल. तो इसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा जब मैं आपको फॉर्मूला करा रही हूँ. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. देखिए, सम का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ को ऐड करके करना, ठीक है, किसी चीज़ को ऐड करना. अब मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को जूम कर लेते हैं. मान लीजिए मैं इन अमाउंट्स का सम चाहती हूँ, वो भी यहाँ पर, तो मैं उसका सम कर सकती हूँ. नॉर्मल एक फॉर्मूला बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, इक्वल्स टू सम, हमें क्योंकि सम करना है, टैब, टैब लग गया है. सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आप सम करना चाहते हैं. पैरेंथेसिस को ऑफ कर लीजिए, जिसको कहते हैं ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए, एंड एंटर कर दीजिए. तो देखिए आपका सम आ गया है, यहाँ पे सम आ गया है, ठीक है, अब पता लग गया है. अब मेन दिक्कत क्या है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ. जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने यहाँ फिल्टर्स लगा लिए. फिल्टर्स किस लिए होते हैं? ताकि हम डेटा को सॉर्ट करके चेक कर सकें. मान लीजिए मैं सिर्फ नॉर्थ का डेटा देखना चाहती हूँ, कि नॉर्थ में मैंने कितनी सेल की है. तो मैंने यहाँ जब किया तो देखो, यहाँ नॉर्थ की जितनी सेल हुई है उसका सम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सम किया हुआ था पूरी टेबल का, स्टिल मुझे यहाँ सम पता नहीं लग रहा है. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम सब टोटल लगाते हैं. बिकॉज सब टोटल जब लगाते हैं ना, क्योंकि आंसर सेम आएगा. सब टोटल का मतलब भी वही है, सम करना, एंड सम का मतलब भी यही है, सम करना. लेकिन सब टोटल आपके फिल्टर्स लगाने के बाद रिस्पॉन्ड करता है. तो चलिए, ये सम को हटा दिया है मैंने, और अब यहाँ सब टोटल लगाएंगे, इक्वल्स टू सब टोटल, टैब. सब टोटल फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप करवाना क्या चाहते हो. हमने जो कराना है, देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमने जो कराना है, हमने सम कराना है, तो हम 9 लिखेंगे, क्योंकि वो 9th नंबर पे है ना. तो हम 9 लिखेंगे, कॉमा कर देंगे, और उसके बाद सेम जैसे सम में हमने एक रेंज को सेलेक्ट किया था कि सभी रेंज ले ली जाए, सो दैट वो ऐड करके बता दे, तो वैसे ही रेंज ले लेना है, पैरेंथेसिस को ऑफ करना है, एंटर कर देना है. तो
तो देखिए सम आपका इक्वल वही है, क्योंकि देखिए 2 + 2 = 4 है। अब आप उसको उंगलियों पे जोड़ो, मैथ की नोटबुक में लिखकर जोड़ो, या कोई चीज़ रख के जोड़ो कि चीज़ों को गिन के जोड़ो, 2 + 2 = 4 ही आना है। तो ठीक वैसे ही इसका टोटल आप चाहे सब टोटल से करो, सम से करो, टोटल तो सेम ही आना है, उसमें कोई दोराय नहीं है। बट बात ये है कि अब जब मैं फ़िल्टर्स लगाऊंगी, मैंने नॉर्थ का सेलेक्ट किया एंड मैंने ओके किया, तो देखिए मेरे को यहाँ पे इसका टोटल भी दिखा रहा है, पूरी टेबल का टोटल नहीं दिखा रहा क्योंकि वो तो 4 से शुरू हो रहा था, ये सिर्फ इन तीनों नंबर का टोटल दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी बड़े डेटा में काम करते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि हम लोग सब टोटल ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सम, क्योंकि सब टोटल आपको एक बेटर रिजल्ट देगा बाद में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई सम एंड सब टोटल। हमने यहाँ दो फॉर्मूले किए एंड साथ ही साथ में थ्योरी का क्वेश्चन किया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ काउंट फार्मूलाज। काउंट फार्मूलाज क्या होते हैं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस सेल्स, कंट्रोल माइनस करूँगी एंड मैं शिफ्ट से लेफ्ट कर दूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको एक सही से विजिबल हो जाए। नाउ देखिए मुझे काउंट करके देना है कि ये कितनी एंट्रीज हैं। अभी तो क्या है ना, आपको यहाँ 11 दिख रहा है तो आपके लिए काउंट करने का बनता नहीं है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ओके कर देती हूँ एंड पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ओल्ट ओ सी ए करके इसके विड्थ को ठीक कर लेते हैं। देखिए हमारा डेटा एकदम ठीक हो गया है। नाउ अगर आपके पास ये डेटा और मैं ये जानना चाहती हूँ ये कितनी एंट्रीज हुई हैं, या फिर मान लीजिए रेंडमली कोई डेटा लिखा होता है, वो आपको रेंडमली डेटा लिख के देंगे एंड कहेंगे इस तरीके से साइड में शीट बना देंगे और कहेंगे कि मुझे काउंट करके बताओ ये कितनी एंट्रीज की हुई हैं, ये कितने नंबर्स हैं। तो इफ़ आई वॉन्ट टू काउंट कि भाई ये कितनी एंट्रीज हैं और नंबर के थ्रू करना है, किसी नंबर को काउंट करना है, तो मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगी। याद रखिए नंबर्स को जब काउंट करना हो तब, तो काउंट टैब आप उन वैल्यूज़ को ले लो जिनको काउंट करना चाहते हो, काउंट किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया एंड एंटर किया, तो आपका काउंट आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे टेक्स्ट के थ्रू पता लगाना होता कि कितनी एंट्रीज हैं देन, तब भी क्या हम काउंट फंक्शन लगाते, द आंसर इज नो, तब हम काउंट ए लगाते। तो इक्वल्स टू काउंट ए टैब, वैल्यूज हमें बतानी है, हम वैल्यूज वो कर रहे हैं पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो हमारे पास ये 11 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर दे रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमने 11 एंट्रीज की हुई थी, अभी हमने एक बार के लिए नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ किया और एक बार के लिए उसके अकॉर्डिंग चूज़ किया। पहले काउंट इफ कर लेते हैं देन काउंट ब्लैंक करेंगे। काउंट इफ क्या होता है, देखिए इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन देना। अगर मैं काउंट तो करना चाहती हूँ लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन भी दे रही हूँ, दैट इज़ काउंट इफ। तो जिस तरीके से हम सम इफ भी करते हैं, तो सम इफ हम आगे करेंगे, काउंट इफ देखते हैं। काउंट इफ टैब, अब क्या है, इसको रेंज बतानी है कि कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे भाई, इसमें ढूंढे, इसमें ढूंढे, क्योंकि मुझे ये जानना है कितने नॉर्थ लिखे हुए हैं इसमें या कितने साउथ लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ ढूंढे, रेंज जब भी होती है ना, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे आप बेसिक फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप एडवांस फॉर्मूला ले लो, कैसे भी फॉर्मूलाज हो, हर फॉर्मूला में रेंज का मतलब यही होता है कि वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, आपको कहाँ से देखना है, कहाँ ढूंढना है, तो दैट इज़ योर रेंज। एंड क्राइटेरिया हमेशा वही मिलता है कि आपको क्या ढूंढना है। मान लीजिए मुझे ढूंढना है जो भी कुछ यहाँ लिखा हो, ठीक है, पैरेंथेसिस मैंने ऑफ किया, एंटर कर दिया, अभी नहीं आएगा क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। अब मैं यहाँ साउथ लिख देती हूँ, तो इसने मुझे बता दिया पूरा डेटा में 4 साउथ है, मतलब इस वाली लाइन में 4 साउथ लिखे हुए हैं। देख लेते हैं 1, 2, 3 and 4, तो दैट इज़ करेक्ट। सो काउंट इफ क्या होता है, इफ क्योंकि ये पूछा जाएगा, पूछा डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे काउंट इफ क्या होता है, तो काउंट इफ जब आपने बताना है तो कैसे बताना है। इफ़ मतलब क्या होती है, कंडीशन होती है, इफ है तो मतलब सिंगल कंडीशन है, इफ होता तो मल्टीपल कंडीशन हो जाती, कुछ नहीं है, आपने एक और क्राइटेरिया बढ़ा देना था, एक और रेंज बढ़ा देनी थी और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने काउंट इफ में क्या किया, आपने सबसे पहले रेंज ली, रेंज क्या होती है, जहाँ पे वो चीज़ आपको ढूंढनी है, जहाँ पे वो चीज़ आपको ढूंढनी है। एंड क्राइटेरिया क्या होता है, जिसको आप ढूंढ रहे हो। ये दो चीज़, ये दो लाइन याद रखो, आपके सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे, ठीक है। काउंट ब्लैंक और कर लेते हैं, मान लीजिए मैं इस डेटा में कुछ चीज़ें ब्लैंक कर देती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ इस डेटा में कितने ब्लैंक्स हैं, तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक टैब,
रेंज ली है, मैंने ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है एंड एंटर कर दिया है। तो देखिए इसने मुझे बताया आपके डेटा में 10 ब्लैंक्स हैं, 10 सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो कभी कभी हमारे पास बड़ा डेटा होता है और हमें जानना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, टेबल रेंज दे देते हैं उसको इस तरीके से, एंड हमें पता लग जाता है पूरे डेटा में कितने ब्लैंक्स हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई आर काउंट फॉर्मूलाज। नाउ लेट जस्ट प्रोसीड विद अनदर फॉर्मूलाज। आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज। ओके, पहले से ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, इफ को इफ फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ओल्ट ओ सी ए करेंगे। ओल्ट ओ सी ए से क्या होता है ना कि आपकी जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फॉर्मूला। हमें इफ फॉर्मूला लगाना है। इफ क्या होता है? इफ मतलब होता है अगर, इफ मतलब होता है कंडीशन, इफ मतलब होता है एक लॉजिकल फंक्शन, लॉजिक देना है मुझे उसको, उसको बताना है कि अगर ऐसा हो तो ये कर देना और अगर वैसा हो तो वो कर देना। जी हाँ, इस तरीके से बोलकर अगर हम लोग अपने फॉर्मूलाज लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे एंड आपके दिमाग में रहेंगे लाइन। सो दैट्स आई एम सेइंग लाइक दिस कि इफ़ अगर हो तो ये कर देना एंड इफ़ अगर वो हो तो वो कर देना। ओके, एंड लेट जस्ट प्रोसीड। इक्वल्स टू इफ टैब, हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है? सबसे पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा का ओवरव्यू देती हूँ। मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिसके अंदर मेरे पास मार्क्स हैं, जैसे इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के। अभी साथ ही साथ में मैंने इसका टोटल निकाला हुआ है, साथ ही साथ में मैंने इसका परसेंटेज निकाला हुआ है। एंड इन जर्नल थिंग क्या होता है कि अगर आपका परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो आप पास होते हो एंड 33 से कम है तो आप फेल होते हो। तो वही वाला स्टेटस मुझे लिखना है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। तो वो किस क्या चीज़ देख के आपने किया है, क्या देखा है आपने? आपने यही तो देखा है कि उसका परसेंटेज 33 से ज़्यादा है या नहीं है, आपने यही तो देखा है ना। परसेंटेज चेक कर रहे हो, दैट मींस आप जो लॉजिकल टेस्ट करोगे वो किसके ऊपर करोगे? इन परसेंटेज पे। इन्हीं तो चेक करके बताओगे ना कि वो पर्सन पास है या फेल है। तो लॉजिकल टेस्ट हम किसका कर रहे हैं? इसका कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ ग्रेटर देन 33 है या नहीं है। अगर है तो पास, नहीं है तो फेल। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो आपको समझ आएगा इक्वल्स टू एफ टैब। लॉजिकल टेस्ट क्या है? मेरा ये लॉजिकल टेस्ट है। इसको क्या प्रूव करना है कि ये बड़ा होना चाहिए 33% से। अगर ये, क्योंकि हम है ना पॉजिटिव बातें करते हैं, हम क्या करते हैं? पॉजिटिव बातें करते हैं फॉर्मूलाज के साथ। तो इसीलिए मैं ये पॉजिटिव सिनेरियो पहले लेके चल रही हूँ कि देखो मेरा वो जो मैंने लॉजिकल टेस्ट लिया ना वो ग्रेटर देन 33% होना चाहिए। अगर वो ऐसा हो जाता है, उसमें लिखा है ना वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा सच्ची में पॉसिबल हो जाता है कि आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 33 है, तो आप उसको क्या लिखवाना चाहेंगे? आप तो लिखवाना चाहेंगे कि पास हो जाए, कॉमा। देखिए जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं तो कॉन्कटेशन देनी होती है, दैट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमाज में आपको उसको रखना होता है। ओके, नेक्स्ट उसमें क्या है? वैल्यू इफ फॉल्स। बट वॉट इफ, वॉट इफ कि आपका जो डेटा है, जो आपने लॉजिकल टेस्ट दिया है, वो ग्रेटर देन 33 नहीं है, उसकी तो 33 से कम परसेंटेज है, देन क्या करना? देन कुछ नहीं है भाई साहब जी, फेल लिख देना एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। तो इस तरीके से उसने आपको स्टेटस दे दिया। नाउ यू जस्ट हैव टू ड्रैग दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगी। जनरली पूछ लिया जाता है, मान लीजिए अगर मैं चाहती हूँ इस डेटा में अगर जहाँ पास लिखा है वो ग्रीन हो जाए एंड जहाँ फेल लिखा है वो रेड हो जाए, तो ये कैसे किया जाएगा, कौन से तरीके से किया जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो तरीका है मैं ऑलरेडी फीचर्स में आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है, देखिए सबसे पहले अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तब भी आप मुझे बताएं सो दैट आई विल गिव यू द आंसर एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑल द कमेंट्स। ओके, सो नाउ जस्ट लेट्स प्रोसीड विद अनदर फार्मूला। अनदर फार्मूला अगर आप देखेंगे ना तो वो इफ़ के जैसा ही लगेगा आपको, ज़्यादा अलग नहीं लगेगा, समझने में अलग नहीं लगेगा। ठीक है, एक सिनेरियो समझाती हूँ, छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसमें वो चार सब्जेक्ट्स के वो एग्ज़ाम दे के आता है। मतलब अब सिनेरियो क्या बनता है ना कि अगर वो ईच सब्जेक्ट, मतलब अगर एक सब्जेक्ट को देखें तो 40 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, और अगर चारों सब्जेक्ट्स को मिला दूँ तो उसका एटलीस्ट 200 बनना चाहिए, दैट मीन्स उसको 50% स्कोर करना चाहिए।
इंडिविजुअली 40 मार्क्स आ गए तो उस सब्जेक्ट में पास है, लेकिन इन टोटल जब करने बैठे हो 200 नहीं हुआ तो वो पास नहीं माना जाएगा। सीए के स्टूडेंट्स, सीए सीए सीएमए वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो ये सिनेरियो है। अब मान लीजिए आप कहते हो कि 40 से ज़्यादा भी आए, 200 से ज़्यादा भी आए, तब पास है वरना फेल है। तो ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, दोनों ही कंडीशन हमें साथ में चाहिए, जब भी हमें कोई चीज़ साथ में चाहिए, और का फ़र्क एंड और का फ़र्क समझते हो ना, एंड मतलब क्या, ये भी एंड ये भी, एंड और मतलब क्या, या तो ये या तो वो, समझते हो। एंड का मतलब क्या होता है, ये भी और ये भी, मतलब दोनों चाहिए मुझे, पिज्ज़ा एंड बर्गर, पिज्ज़ा एंड बर्गर मुझे दोनों खानी है, एंड पिज्ज़ा और बर्गर क्या एक चाहिए, पिज्ज़ा और बर्गर, या तो ये या तो वो, समझ रहे हो। तो एंड में हमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, एंड लिखेंगे, टैप करेंगे, लॉजिक बताएंगे कि इसको चेक करो अगर ये ग्रेटर देन 40 है, दूसरा लॉजिक बताएंगे इसको चेक करो कि ये ग्रेटर देन 200, एंड पैरेंथेसिस ऑफ कर देंगे। ये हमें ऑटोमेटिकली ट्रू और फॉल्स में आंसर करता है, इसको हमें बताना नहीं पड़ता हमें क्या लिख के दो। तो इसने मुझे दे दिया कि मुझे ये दोनों लॉजिकल टेस्ट चेक कराने थे, ठीक है। अब और वाले में क्या होता है, सिंगल, मैंने अभी आपको बताया ना, या तो ये या तो वो, तो लॉजिकल ग्रेटर देन 40 एंड साइड वाला लेंगे, ये ग्रेटर देन 200 पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। तो देखिए आपका आ गया है, अब इसे आप इसे ड्रैग कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर जहाँ सेम डेटा है, 45196 एंड देखिए ऊपर वो फॉल्स है, नीचे वो ट्रू है, क्योंकि ऊपर क्या था ना, ईच जगह ईच सब्जेक्ट में तो पास हो गया था, 40 से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन देन इट्स 196, तो वो 200 से कम था, इस वजह से फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे मतलब फॉल्स हो गया। यहाँ पे 45 था, लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई ना, 40 से तो ज़्यादा था ना, तो इसलिए इसने ट्रू दे दिया। तो जब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, गो फॉर एंड, एंड जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, गो फॉर ऑल। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट फार्मूला, जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिक है, बहुत बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मुझे जानना है एवरेज, ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं, मुझे ये जानना है। तो इक्वल्स टू मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगी, टैब करूंगी, उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लूंगी जिनका मुझे एवरेज निकालना है, एंड पैरेंथिसिस ऑफ करके एंटर कर दूंगी। तो ऐसे मुझे पता लग गया ऑन एन एवरेज 68.75% उसको मार्क्स आते हैं, ठीक है। मिनिमम जानना है कि उसने इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे कम मार्क्स क्या आया है। तो इक्वल्स टू मिन, मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मिन होता है, टैब और नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है, कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ नंबर्स को सेलेक्ट करना होता है। पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, एंड ओके फाइन, इसको ड्रैग कर लो। अब आपको होगी ये 4500 मार्क्स क्यों आ रखा है, 45% क्यों आ रखा है, तो आपको पीछे परसेंट दिख रहा है ना, दैट मीन्स वो परसेंट फॉर्मेट में है, हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। मैंने आपको समझाया अभी था फीचर्स में, आप होम टैब में जाइए, यहाँ पे आके देखिए परसेंटेज के फॉर्मेट में था, इसे जर्नल कर लीजिए, तो आ गया उसके मिनिमम मार्क्स 45 आए हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स 45 आए हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो द मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, तो मैक्स टैब, वही मुझे अपना रेंज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक पैरेंथेसिस ऑफ करना है, एंटर करना है, तो 96 आ गया। Now just drag it down and see. Now you got to know कि उसने maximum marks उसको कितने आए हैं, minimum marks कितने आए हैं, on an average कितना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप average, minimum and maximum के formulas लगा सकते हैं, बहुत ही basic formulas हैं, कुछ नहीं करना होता, formula लगाना होता है, numbers को choose करना होता है जिसके जिसमें आप वो चीज़ लगाना चाहते हो, that's it. Now let's proceed with the next formulas, that is E date and end of month. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं अगर आपको कोई ड्यू डेट निकालना हो तो वहाँ पे बहुत काम आते हैं। मान लीजिए देखिए आपके पास कोई डेट है, ये हो सकती है इशू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मान लीजिए कोई इनवॉइस इशू हुआ है, वो इन डेट्स पे इशू हुआ है लेकिन उस पर पेमेंट नहीं हुई है, वो एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज है, और आपका जो ड्यू डेट है वो 2 मंथ्स बाद, 5 मंथ्स बाद, इतने मंथ्स का ड्यूरेशन है उसका। तो नाउ यू वॉन्ट टू नो द एंड डेट, मतलब किस दिन वो ड्यू होगा। तो आपके पास दो सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं, एक तो आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट एंड डेट क्या है 2 मंथ्स के बाद, या फिर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट डेट जो आएगी ना, फॉर एग्जांपल अब मैंने 1 जनवरी को कुछ किया है, मैंने 1 जनवरी का कोई इनवॉइस लिया और मैंने कहा 2 महीने बाद वो 1 मार्च पड़ता है, तो 1st of March पड़ता है, ठीक है। एक तो एंड ऑफ डेट का मतलब तो क्या है, एंड डेट का मतलब तो क्या है कि वो मुझे 1st March लिख के दे देगा,
कि भैया आपका दिन इस दिन ख़त्म हो रहा है, आप मुझे इस दिन पेमेंट कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, एंड ऑफ मंथ, दैट मींस मैं फर्स्ट मार्च में मार्च वाले मंथ का एंटर कर चुकी हूँ तो वो मार्च का एंड मुझे बता देगा, 31 मार्च मुझे आंसर करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग करते हैं कि अगर उस मंथ में आपने एंटर कर लिया तो उस मंथ के एंड में आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो वाले सिनेरियो में आप एंड ऑफ मंथ का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसे करके देखते हैं। एंड डेट में क्या होता है, जो एग्जैक्ट एवरेज डेट, एग्जैक्ट ड्यू डेट आती है, तो इक्वल्स टू ई डेट कॉमा स्टार्ट डेट आपका ये रहा, कॉमा मंथ्स आपको बताने हैं जो कि आपने साइड में ले रखे हैं, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे ना एंटर कर देंगे। तो देखिए आपका डेट आ गया है 10th of March, मैंने यहाँ लिखा था 10th of May, आ गया एग्जैक्ट ऑफ 2 months। नाउ जस्ट ड्रैग इट, तो आपको आपके सारी ड्यू डेट्स मिल जाएंगी। एंड यहीं पे आप देखिए डेटा सेम है मेरा, लेकिन अगर मैं एंड ऑफ मंथ से निकालती हूँ तो देखिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली देखो वो मंथ में आ गया, मे मंथ में आ गया, तो मे मंथ का लास्ट डे क्या है, 31st of May, तो ये मुझे आंसर क्या देगा, 31st of May देगा। देखिए करके देखते हैं, एंड ऑफ मंथ टैब स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद ये मैंने मंथ ले लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए इसने मुझे 31st of May दिया, क्या दिया, 31st of May दिया, एंड जस्ट ड्रैग इट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपनी ड्यू डेट, ये बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं समझ आता प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट फार्मूला विच इज़ नेटवर्क डेज, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर मैं बात करूँ जहाँ पे HR के लिए अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो ये वाली चीज़ें बहुत काम आती है, क्योंकि आप लोगों को पूरा वो कैलकुलेट करना पड़ता है, सैलरी एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत काम आएगा आपको ये। नेटवर्क डेज क्या है, मान लीजिए मैंने बता रखा है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो डेट है काम करने का, शुरू इस दिन हुआ था, ख़त्म इस दिन हुआ था, एंड साथ ही साथ में उसमें बीच में कितने हॉलीडेज लिए थे, तो आप नेटवर्क डेज निकाल सकते हो। तो देखिए इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, ओके नेटवर्क डेज टैब स्टार्ट डेट लिया हम लोगों ने, कॉमा किया, एंड डेट लिया हम लोगों ने, उसके बाद कॉमा किया, और उसने हॉलीडेज़ कितनी लिए हैं, तो हॉलीडेज़ भी आपने 3 काउंट कर लिया, एंड पैरेंथेसिस ऑफ के एंटर किया, तो उसने बता दिया कि इसने 35 डेज़ काम किया है। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट हर और हिज पे, है ना। तो अगर आप कोई ऐसी जॉब में जा रहे हो जहाँ पे आपको सैलरी वाला जो चीज़ निकालनी होती है, तो वहाँ ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। क्या किया है, ये आपका स्टार्ट डेट, ये आपका एंड डेट, और जितना उसका हॉलीडे है वो डाल दीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर फॉर्मूला, दैट मींस कभी कभी क्या होता है, आप कहीं से कोई डेटा कॉपी करके लाते हो तो वो सारे या तो कैप्स में होते हैं, या फिर सारे स्मॉल में होते हैं, या फिर ढंग से नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट ऐसे हैं जो लिखा हुआ है और आपको सेंटेंस केस में लिखना है, सेंटेंस केस कौन सा होता है, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर बड़ा हो एंड बाकी के लेटर्स स्मॉल लेटर्स हो, तो ऐसा अगर आपको करना है तो आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू प्रॉपर टैब टेक्स्ट देंगे, मैंने अभी यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए इसने मुझे किस फॉर्मेट में दे दिया, इसने मुझे सेंटेंस केस में दे दिया, सेंटेंस केस में दे दिया ना मेरा जो नाम है वो, जस्ट बिकॉज इसमें स्पेस नहीं था तो इसने ऐसे किया है। मेरे को अगर इसमें स्पेस लगाना है, मैं इसको स्पेस लगा के फिर एंटर करती हूँ, तो देखो इसने भी स्पेस लगा दिया और उसको कैप्स में कर दिया। पहले इसको लग रहा था तनु सिंगल एक साथ ही लिखा हुआ है, एक ही नाम है, जस्ट बिकॉज वहाँ स्पेस नहीं था। जैसे ही मैंने स्पेस दिया, इसने कंसिडर कर लिया सिंगल अलग है, तनु अलग है, तो सिंगल का एस भी कैप्स में कर दिया उसने, ठीक है। दैट इज़ योर दिस। नाउ टेक्स्ट आपको जानना है कि इस दिन कौन, मतलब इस डेट पर कौन सा दिन था, इस डेट पर कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूजडे था, वेनसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, क्या था। तो आपको अगर जानना है तो आप करेंगे टेक्स्ट फार्मूला टैब, आप ये वैल्यू देंगे कॉमा, अब उसको फॉर्मेट बताएंगे किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे डी 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 लिखना होगा, डी 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 मतलब मुझे इस तरीके से डेज के बारे में जानना है ना। तो देखिए इसने मुझे दे दिया वेनसडे था, क्या था, वेनसडे था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी अगर आपको डेट दी हुई है तो उससे कि उस दिन कौन सा दिन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज लग रहे होंगे लेकिन यही पूछे जाते हैं, बिकॉज वो आपका एक तो चेक कर रहे होते हो कि आप उस प्रेशर में परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, 30 मिनट्स दिए हैं, एंड उस जिस टाइम पे आप उतने प्रिपेयर नहीं हो तो आप और घबरा जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बस वो सिंपल सिंपल ही देते हैं, सिंपल सिंपल केस स्टडीज़ होंगी, बस आपको वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, हाइपर नहीं होना पड़ेगा, आप प्रेशर में मत फील कीजिए एंड जस्ट रिलैक्स होकर उसको कीजिए। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला इज़ दैट कि मान लीजिए देखो मैंने वही बोला ना, कहीं वेब से कहीं से भी कोई डेटा कॉपी किया तो इस तरीके से आपको पता नहीं लगता है, बट हर जगह ना अनवांटेड
स्पेसेस होते हैं, अनवांटेड स्पेसेस हैं। मान लो चंद्रशेखर गुप्ता लिखा तो उसके बीच में देखो कितना स्पेस है, माधवेंद्र सिंघानिया लिखा है तो उसके स्टार्टिंग में मुझे स्पेस लग रहा है, प्रतिभा देवी शर्मा के करेक्ट लिखा है, अनिरुद्ध चतुर्वेदी के भी यहाँ पे कितना स्पेस है। तो ये स्पेसेस को हटाना है, तो क्या मैं अभी मैन्युअली बैठ के एक एक को हटाऊंगी? नो, द आंसर इज़ नो। हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ ट्रिम। अगर मैं इसको ट्रिम कर दूँ, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट काट दूँ, तो मैंने ये इसको ले लिया पूरे को, क्योंकि मुझे सभी के लिए करना था, एंटर किया, हैव ए गो। तो देखिए यहाँ से जो भी उसका अनवांटेड पार्ट था, जो भी अनवांटेड पार्ट था वो चला गया है, जो भी अनवांटेड स्पेसेस थे वो चले गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारे चार फॉर्मूलाज, दैट इज़ नेटवर्क डेज, प्रॉपर टेक्स्ट एंड ट्रिम फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, विच इज़ रैंक। अगर हम एक, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, देखिए मेरे पास जो डेटा है, मैं पहले इसको अलाइन ठीक कर लेती हूँ, ऑल्ट ऑ सी ए करके। हाँ जी, देखिए मेरे पास जो डेटा है वो वही है, स्टूडेंट्स का डेटा है, वही इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस का नंबर है, टोटल मैंने लिया हुआ है, परसेंटेज है, और मुझे रैंक निकालनी है। पहले जो मैंने निकाला था वो स्टेटस निकाला था, दैट इज़ पास फेल ये सब किया था, अब मुझे रैंक चाहिए कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकेंड आया, ये करना है। तो जर्नली फर्स्ट सेकेंड कैसे निकाले जाते हैं? मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट निकाल लेते हैं, 5 स्टूडेंट कर लेते हैं, 61 ले लेना, ये 5 स्टूडेंट है, और मुझे जानना है कि इसमें से फर्स्ट कौन आया है। तो मुझे कैसे पता लगेगा जो हाईएस्ट नंबर होगा? हाईएस्ट नंबर किस में से देखा? देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने सारे नंबर चेक किए, सारे नंबर चेक करने के बाद मुझे पता लगा 96 है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें उस नंबर का भी रोल है जो वो जो हम चेक कराना चाहते हैं, एंड उस उन सभी नंबर्स का भी रोल है जिनमें से हम चेक कराना चाहते हैं, बिकॉज वो सभी को चेक करेगा तभी तो वो बता पाएगा वो पर्टिकुलर नंबर कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए रैंक टैब, नहीं रैंक एवरेज ले लिया गलती से, टैब नंबर, तो नंबर क्या आएगा कि आपने चेक करना है ये नंबर कॉमा, और रेफरेंस क्या है कि भाई मुझे इन सभी नंबर्स का चेक करना है। तो अरे बाबा, इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एंड इसे फिक्स कर देंगे, क्योंकि आप चाहे 32 के लिए चेक करो, 55 के लिए चेक करो, 58 के लिए चेक करो, सभी के लिए सभी में ही चेक करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको फिक्स कर देंगे। एंड मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एक सेकेंड, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, टैब करूँगी मैं, पैरेंथेसिस ऑफ करूँगी मैं, एंटर कर दूँगी। तो देखिए ये 1 आ गया है, एंड नाउ जस्ट ड्रैग इट, तो आपको पता लग गया ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे, इस तरीके से आपकी रैंक निकलेगी। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने उसको फिक्स क्यों किया है। मैंने आपको पहले बताया था हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं जब पूरे उसको फिक्स कर देते हैं। क्यों फिक्स किया है? क्योंकि आपने जब 69 के लिए चेक किया, तो 69 के लिए जब आप चेक कर रहे हो, इस वाले सेल के लिए चेक कर रहे हो, तो इस सेल को चेक कर रहे हो, फिर सभी नंबर्स को चेक कर रहे हो, फिर सभी नंबर्स को चेक करने के बाद पता लगा ओ ये तो 1 नंबर पे, तो 1 दिया। फिर जब आप 66 को चेक करोगे तब भी तो आप नीचे के सारे नंबर चेक करोगे और साथ में ये ऊपर वाला सेल को भी चेक करोगे, ऐसे थोड़ा ना 69 के नीचे नीचे वाले ही चेक करके आ जाओगे। अगर सिर्फ नीचे नीचे वाले चेक करोगे तो ये भी 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि 66 बड़ा है, उसने 69 को कंसिडर ही नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर देने पड़ते हैं। 32 के लिए चेक करोगे तो भी सारे नंबर चेक करने हैं, 55 के लिए करोगे तो भी सारे नंबर चेक करने हैं, जब सभी के लिए सारे नंबर चेक करने हैं, तो वो चीज़ अगर सभी में सेम है तो हम उसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर रैंक फार्मूला। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, विच इज़ सम इफ, मतलब कंडीशन के साथ अगर सम करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं कंट्रोल ए करके ओल्ट ओ सी ए कर लेती हूँ एक बार के लिए, डेटा थोड़ा ठीक हो जाएगा। सम इफ क्या होता है? देखिए अभी तक जो मैंने आपको सम सिखाया वो क्या था कि वो आपको टोटल करके दे रहा है कि भाई ये सम है ये टोटल है, जिसके मिनट ये सम है ये टोटल है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आपको डेटा दे दूँ, मैं कह दूँ कि कोई भी पर्सन ले लीजिए, तनु ले लीजिए, तनु मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर हमने कितने सेल किए हैं, कितने कंप्यूटर हम सेल करते हैं इन टोटल, कितने फ़ोन हम सेल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, मैंने आपको सिखाया था, मान लीजिए कितने कंप्यूटर सेल करते हैं, तो मुझे अब वहाँ आंसर करना पड़ेगा भाई कितने कंप्यूटर सेल करते हैं। तो अभी मेरे को अब वहाँ पे क्या था सम में कि टोटल सेल क्या है, सम इफ क्या है, कितने कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ माई कंडीशन। सो हेंस यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सम इफ टैब रेंज, रेंज मैंने क्या बताया था, जहाँ ढूंढना होता है, कहाँ ढूंढना होता है, कहाँ, यहाँ, यहाँ ढूंढना है कॉमा, क्राइटेरिया किसे ढूंढना है, इसे ढूंढना है,
सम रिज, किसका सम करना है, इसका सम करना है। बहुत इजी होते हैं फॉर्मूलाज, बस अगर आप इतनी अंदर की जो चीज़ें ना रेंज क्राइटेरिया सम रेंज ये समझ ली, तो पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो देखिए आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फ़ोन का टोटल चाहती तो फ़ोन का भी आ गया, एक्सेसरीज़ का चाहती तो एक्सेसरीज़ का भी आ गया। समझे, दोबारा से एक बार और समझा देती हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज, कहाँ ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, इसके अंदर ढूंढना है, तभी तो पता लगेगा कितने कंप्यूटर कितने क्या, किसको ढूंढना है, जो भी इस सेल में लिखा हो उसको ढूंढ दो। मैं इसमें अगर फ़ोन लिख दूँ तो मुझे फ़ोन का टोटल दे दो, ओके फाइन। सम रेंज, किसका सम करना है, इसका सम करना है, वैल्यूज़ का ही तो सम करोगे, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो इस तरीके से आपका सम इफ लग जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स क्या होता है एंड मैच क्या होता है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा डेटा ठीक करते हैं इसको, ना अंडरलाइंस इटाले की हो रखा है, ओल्ड एच आई नहीं, ओल्ड एच आई नहीं, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, दैट इज करेक्ट, एंड ओल्ड ओ सी ए, ओल्ड ओ सी ए, ठीक है अभी ठीक लग रहा है। इंडेक्स और मैच को देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं फिर समझते हैं। इंडेक्स टैब एरे देना है उसको, एरे क्या है ये पूरे को चेक करना है उसको, ठीक है। रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर मुझे बताना है, फोर्थ रो नंबर, फोर्थ कॉलम नंबर टू, एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो उसने मुझे बता दिया कुमार फार्मा के डिटेल्स। अगर मान लीजिए मुझे कहीं का कुछ लोकेशन पता है लेकिन मुझे जानना है कि वहाँ पे क्या लिखना है, तो आई विल अप्लाई इंडेक्स, इंडेक्स अप्लाई करूँगी मैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, मैं कह सकती हूँ अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तो भाई है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल आई कर लीजिए, कंट्रोल यू कर लीजिए, ओके, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से नेम लिखे हुए हैं जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है और आपको उनको अलग करके करना है, तो क्या आप एक एक करके करने वाले हो, नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने वाले हो, नहीं, एक शॉर्टकट की से करेंगे। चलिए इसे करते हैं, फॉर्मूला ही एक तरीके से लेकिन शॉर्टकट की से करेंगे। यहाँ पे काम कर लीजिए, पहला तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि आपको क्या आंसर चाहिए, तो उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, जो स्पेलिंग वहाँ लिखी हुई है कुछ भी मिस्टेक मत कीजिएगा, आरव एंड यहाँ मुझे शर्मा, और आप अपने फॉन्ट को अपने मतलब मेरे कहने का मतलब है अपने टेक्स्ट को बिल्कुल वैसे रखिएगा जैसा आपको आंसर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, यहाँ जाके कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, तो ये अपने आप आपको नीचे का डेटा दे देगा, मतलब आपने उसको ऊपर लिख के जो बताया ना उसको ये बताया मुझे इस तरीके का चाहिए, और जैसे ही आप कंट्रोल ई करते तो वो नीचे अपने आप उस तरीके का डेटा अपने आप ले आता है, क्योंकि इन सभी ये सभी एक ही तरीके से लिखे हुए हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम बीच में स्पेस। अगर मान लीजिए ये अलग तरीके से लिखे होते, कहीं पे भी कुछ अलग लिखा होता, तब ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये सभी नाम का तरीका सेम लिखा हुआ है और आपने उसको कुछ बताया कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो वो करके देगा। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए देखिए ये रहा, मान लीजिए मेरे पास ये डेटा और मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो मुझे आंसर चाहिए मैं यहाँ लिखूँगी, पहले मुझे चाहिए आरव शर्मा, ठीक है, मुझे ये आंसर चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ, मुझे ये आंसर चाहिए। अब उसको पता लग गया, देखो सेम तरीके से यहाँ फर्स्ट नेम लिखे हैं, ये लास्ट नेम लिखे हैं, ठीक है, और उसको पता है कि मैंने उसको बता दिया कि मुझे आरव शर्मा, देखो ऐसे जोड़ के ये आंसर चाहिए, तो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे आके कंट्रोल ही प्रेस करना है, और देखो इसने मुझे ऑटोमेटिकली करके दे दिया। तो मेक श्योर करना जो भी साइड में डेटा लिखा है वो सभी एक तरीके से लिखा हो, अगर वो एक तरीके से लिखा है तो वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। Now let's proceed with the last formulas, but the most important formulas for the advanced wala cheez ke liye, because it's V lookup, H lookup and X lookup. ठीक है, मैं इनको भी थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, ऑल ओ सी ए, एंड छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, एक बार के लिए मैं उन्हें ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मिनट, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम वी लुकअप लगाएंगे, थोड़ा सा फंडा समझते हैं वी लुकअप लगाने से पहले, मैं फंडा इसलिए समझा रही हूँ सो दैट आपको फिर वो अंडरस्टैंडिंग रहे, आप कभी भूले नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करके गए और वहाँ जाके भूल गए, फिर क्या फ़ायदा।
मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा और आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं जंप करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए वी लुकअप की बात हो रही है, वी एक एच लुकअप की बात हो रही है, हम दो की बात करेंगे। तो व्हेन आई से वी दैट मीन्स वर्टिकल, एंड व्हेन आई से एच दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और अब आप एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल में वर्टिकल आपकी क्या होती है, कॉलम्स होती हैं, कॉलम्स होती हैं ना आपके, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ऊपर जो लिखे हुए हैं ये आपकी कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम्स आपकी वर्टिकल होती है, इसीलिए वी लुकअप में कॉलम नंबर पूछा जाता है, अभी आप देखेंगे। और हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती हैं, इसीलिए एच लुकअप में आप उसको एक रॉ इंडेक्स नंबर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें एच लुकअप, जब भी लुकअप का मतलब क्या होता है, जाओ मेरे डेटा में देख के लाओ और मेरे को ये आंसर बता दो। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा और मैंने आपको एक नाम दे दिया कि कुमार फार्माक्यूटिकल्स का मुझे सेल बता दो, कितना सेल है, या फिर वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको ये सब बोल दिया। तो अब आप क्या करेंगे, या तो फिल्टर्स लगाएंगे या फिर आप क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे लिखेंगे कुमार फार्माक्यूटिकल्स लिखेंगे एंड साइड में वी लुकअप लगा देंगे। वी लुकअप लगाने से डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लुकअप क्या करता है, आपके बड़े से डेटा में जाकर आपके लिए आंसर ढूंढ कर लेकर आता है। जब आप वी लुकअप लगाते हो तो वो वर्टिकली डेटा चेक करने जाता है, एक एक कॉलम में जाएगा और चेक करेगा, ऐसे ऐसे चेक करेगा। जब आप एच लुकअप लगाते हो तो वो ऐसे ऐसे चेक करने जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ लाइक, ये लॉजिक है उसके पीछे वी लुकअप एच लुकअप का लगाने का। और अब आप जब डेटा देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि आपको वी लुकअप लगाना है या एच लुकअप लगाना है, ठीक है। नॉलेज में जस्ट क्लियर इट फर्स्ट, ओके लेट्स प्रोसीड विद द फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना होगा डेटा क्या है मेरे पास। डेटा ये है कि पार्टी नेम है, प्रोडक्ट है एंड सेल है, ठीक है। मुझे वी लुकअप लगाना है, मैं जानना चाहती हूँ जिस सेल, इस सेल में अगर मैं कोई भी पार्टी का नाम दूँ, मैं किसी भी पार्टी का नाम दूँ, ये क्या हुआ, डेटा वैलिडेशन मुझे ठीक करना होगा। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे एक बार और ये चीज़ कर देते हैं, फॉर्मूलाज में ही, ओके जस्ट ड्रैग इट हियर, क्रॉस कीजिए, नीचे आइए, ओके जस्ट देखिए यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे भी मैं चेक करती हूँ सभी के डेटा वैलिडेशन में कोई वो रखा है, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। देखिए मेरे को ये डेटा वैलिडेशन ठीक करना होगा, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में आए, यहाँ पे आए एंड ओके कर लिया, मान लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ एक नेम कि ये गुप्ता टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ मुझे उसका आंसर चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगी, वी लुकअप टैब। सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया था ना, आई एम रियली सॉरी, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया था ना कि क्राइटेरिया में जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो लुकअप जब लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू को आप किस में ढूंढोगे, ये पूछा है टेबल एरे, पूरा टेबल का एरे बताना है, पूरे टेबल की रेंज बतानी है, इसमें ढूंढ के बताओ भाई, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों मांग रहा है, क्योंकि वर्टिकल डेटा होता है, वर्टिकल आपकी कॉलम्स होती हैं, जो भी आप एरे चूज करोगे आपने वही उसी अकॉर्डिंग आपने आंसर करना होता। मान लीजिए इसमें और भी डेटा होता और मैं लेकिन चूज सिर्फ ये तीन कॉलम कर रही होती, तो
फॉर्मूला को लगता है और डेटा एग्जिस्टिंग नहीं करता. आपने एरे के अंदर देखना है, एरे के अंदर हमने आंसर चाहिए सेल, सेल ही पता करनी है. सेल कौन से नंबर पे है, 1 2 3, 3 नंबर पे है, तो 3 किया, कॉमा किया, यहाँ पे फॉल्स लिया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, वी लुकअप में आपने ध्यान देना है, लुकअप वैल्यू आपकी ये है, टेबल एरिया आपकी ये है, एरे के अंदर हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट करते हैं. कौन सा आंसर चाहिए, सेल चाहिए, सेल कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो आप थर्ड नंबर पे क्लिक कीजिए एंड फॉल्स करके उसे एंटर कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एच लुकअप. देखिए मैंने आपको बोला था जब आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्म में हो, तो दिस इज योर डेटा एंड इट इज़ इन हॉरिजेंटल फॉर्म. पहले मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, तो ये ठीक हो गया है. अब मुझे इसमें लगाना है, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे वी लुकअप लगाया है, एच लुकअप कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, वही लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू हमारी गुप्ता टेक्नोलॉजीज, कॉमा, उसके बाद हमें टेबल एरे देना है. टेबल एरे में मुझे ये सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से मैं सेलेक्ट कर लूँगी, कॉमा, उसके बाद मुझे रॉ इंडेक्स नंबर बताना है, तो रॉज काउंट करनी है. अभी तो कॉलम्स काउंट कर रहे थे, ऐसे ऐसे काउंट कर रहे थे, अभी हमें ऐसे ऐसे काउंट करना है. सेल चाहिए, सेल कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, 3 करेंगे, कॉमा करेंगे, फॉल्स करेंगे, टैब करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड एंटर कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. देखिए ऊपर नीचे सेम आंसर आ रहा है. तो यही, अगर आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे तो नहीं समझ आता भाई कि क्या एच लुकअप लगाऊं, क्या वो लगाऊं, तो आप सिंपली गो फॉर एक्स लुकअप. एक्स लुकअप कैसे लगता है देखिए मैं आपको डेटा में लगा के दिखाती हूँ. पहले मैं इसे एक बार के लिए इरेज कर लेती हूँ, कंट्रोल माइनस. ठीक है, अब मुझे यहाँ एक्स लुकअप लगाना है, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब. सबसे पहले इसमें क्या देना होता है, लुकअप वैल्यू, वही हमने लुकअप वैल्यू दी. अब इसमें ना लुकअप एरे मांग रहा है, टेबल एरे नहीं मांग रहा, उसको बड़ा काम करना ही नहीं है, उसने बहुत सीधा सा काम करना है कि भाई जो लुकअप वैल्यू आपने दी है ना, ये मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे बस ये बता दो, मुझे पूरे डेटा से मतलब ही नहीं है. तो ये हमने तो पार्टी नेम लिया हुआ है, तो पार्टी नेम का चूज़ कर लेंगे. और उसके बाद ये कहता है रिटर्न एरे, मुझे ये बता दो कि आंसर किस में से लेकर आना है, मुझे मत बताओ कि ये पूरा डेटा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है पूरे डेटा से, मुझे बस डायरेक्टली बता दो कि रिटर्न एरे आंसर कौन सा देना है. सेल देनी है आंसर, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए आपका आंसर आ गया. तो गो फॉर एक्स लुकअप. जब वी लुकअप नहीं समझ आए, एच लुकअप नहीं समझ आए, गो फॉर एक्स लुकअप. एक्स लुकअप वर्क्स अमेजिंगली, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपने लुकअप एरे में जहाँ आपने लुकअप वैल्यू को ढूंढना है वो करना है, और रिटर्न एरे में आपने आंसर का वाला दे देना है. आपको मतलब ही नहीं है कौन सा डेटा कहाँ है क्या नहीं है, आंसर आएगा नहीं आएगा, कोई ऐसी चिक चिक नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंप्लीट किए सारे के सारे फॉर्मूलाज. अब जो हम लोग करेंगे, एक थ्योरी के क्वेश्चन बच गए थे, तो मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ. देखिए मैंने आपको बता दिया था ये तीनों क्वेश्चन हो गए थे, साथ में सम एंड सब टोटल हो गया था. डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप भी हम लोग समझ गए हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स मैं आपको बता देती हूँ, एंड डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट बताती हूँ. सबसे पहले आप कर लीजिए वर्कबुक एंड वर्कशीट का डिफरेंस. तो वर्कबुक एंड वर्कशीट का डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए क्या आप एक ही नोटबुक बना लेते हैं, एक ही नोटबुक बना ली आपने कि भाई मैं तो 5 के इसी में ही काम करूँगा, नहीं ना, आप अलग अलग बनाते हो, आप 5 नोटबुक्स बनाते हो. तो ठीक वैसे ही जब हमें अलग अलग काम करना होता है तो हम अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, एक्सेल फाइल, तो दैट इज़ आर वर्कबुक. जब आप अलग अलग नोटबुक्स बनाते हो दैट इज़ योर वर्कबुक, ठीक है, जब अलग अलग बनाते हैं. लेकिन हर एक नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उसके अंदर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, एक सब्जेक्ट में कितने हैं 10 चैप्टर्स हैं, तो वो 10 के 10 चैप्टर्स तो एक ही नोटबुक में लिखोगे आप, अलग अलग पेजेस में लिखोगे, बस एक पेज में एक चैप्टर, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे करोगे. तो ठीक वैसे ही ये मेरी पूरी वर्कबुक है, दैट मीन्स ये मेरी पूरी नोटबुक है, और इसके अंदर जब मैं अलग अलग चैप्टर, दैट मीन्स एक मेन वाला, एक रेफरेंस वाला, एक फॉर्मूला, एक थियोरी, एक फीचर, एक कीज, मैंने अलग अलग चैप्टर की तरह इन्हें ट्रीट करना है, मैंने अलग अलग काम किया है तो मैंने अलग अलग पेज क्रिएट कर लिए. बस ये होता है कि आपकी नोटबुक में पेजेस ऑलरेडी होते हैं, यहाँ हम क्रिएट करते रहते हैं प्लस का साइन लगा के, दैट इज़ योर वर्कशीट. तो आपको समझा, जो नोटबुक है वो वर्कबुक है, जो नोटबुक है वो वर्कबुक है, दैट मीन्स डिफरेंट फाइल्स, एंड जो इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो हम वर्कशीट में काम कर रहे हैं, जो हमारे पेजेस हैं वो वर्कशीट है. ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. अब मैं आपको एरर्स का और बता देती हूँ. एरर्स का हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं. मान लीजिए आपने कोई गलत डिवाइड कर दिया है, मान लीजिए एक तो है ना, मुझे ये ड्रॉ वाला एरो लेना होगा.
मान लीजिए आपने कोई गलत डिवाइड कर दिया है कि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया या किसी खाली सेल से डिवाइड कर दिया, तो आपका डिवाइड स्लैश बाय ज़ीरो वाला एरर आ जाता है। वैल्यू कब आता है? जब आपने कोई वैल्यू गलत लिख दी है, जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ आनी नहीं चाहिए, ऐसी कोई लिख दी है। रेफरेंस क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई सम का फॉर्मूला लगाया लेकिन टेक्स्ट उसमें चूज़ कर दिए हैं, या फिर गलत रेफरेंस दे दिया, मतलब गलत सेल्स चूज़ कर लिए, तो दैट इज़ योर रेफरेंस। नेम क्या आता है? मान लीजिए सम जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सम होता है एस यू एम, लेकिन आपने फॉर्मूला लगा दिया एस ओ एम ई, क्या लगा दिया एस ओ एम ई, तो नेम ही गलत है, तो आपको नेम वाला एरर आएगा। नंबर में आपने कुछ नंबर गलत लिखा है तो नंबर वाला आएगा, आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया तो एन ए आता है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नल वैल्यू, मतलब कोई खाली वैल्यू है, कोई गलत आपने लगाया हुआ है। स्पिल क्या होता है? जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है एंड स्टिल आप एक फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल में है और उसमें भी आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, तो स्पिल वाला आपको एरर आता है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई है तो कैलकुलेशन के लिए आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? रेफरेंस, नेम, एन ए विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, स्पिल, आपको ये सबसे ज़्यादा जाननी होनी चाहिए। तो ये अब आपको पता लग गए हैं। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो मैं फिर से वही कहूँगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोगों ने इस वीडियो के सारे जितने भी पॉइंट्स थे, वेदर इट्स थियोरी, वेदर इट्स फॉर्मूलाज, वेदर इट्स फीचर्स, हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिया। मैं आपको कीज़ दिखा देती हूँ, जिस तरीके से जर्नल शॉर्टकट कीज़ आपको दे रखी हैं, होम टैब को कैसे यूज़ करना है उसकी शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं, इंसर्ट टैब की दे रखी है, पेज लेआउट की दे रखी है, फॉर्मूला टैब की दे रखी है, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, एडिशनल शॉर्टकट्स, मैंने सारी ये अलग अलग चार्ट के आपके लिए अलग अलग करके उसको बाइफिकेट करके आपके लिए लिख के दिया है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि उस पर्टिकुलर टैब की क्या शॉर्टकट कीज़ हैं। साथ ही साथ में उसी के राइट साइड में आपको ये देख सकते हो, आपको इसमें भी मैंने प्रॉपर हेडिंग दिया है कि ये डेटा फॉर्मेटिंग का है MCQs अब चलेंगे, ये वर्किंग विद फॉर्मूलाज के फिर MCQs चलेंगे, ये चार्ट्स एंड ग्राफ के MCQs चलेंगे, ये डेटा एनालिसिस के MCQs चलेंगे, ये सेल एंड रेंज ऑपरेशन के MCQs चलेंगे, ये डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन के MCQs चलेंगे, ये एडवांस फॉर्मूलाज के MCQs चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने ना सारी चीज़ें बांट दी हैं, सो दैट आपको भी पढ़ने में, समझने में, MCQs करने में कोई दिक्कत ना हो, जो भी आपको टॉपिक क्लियर होता जाए आप उस तरीके के MCQs कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। Finally, we have completed this video. और अगर आप वीडियो के इस पार्ट में आ गए हैं तो डेफिनेटली आपने पूरी प्रैक्टिस ज़रूर कर ली है, और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली है तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक्सेल की वजह से रिजेक्शन मिलने का अब चांस ज़ीरो है, अब तो आपकी जॉब पक्की है। तो प्लीज़ जाइए और अच्छे से अपना इंटरव्यू देकर आइए, बेस्ट ऑफ लक, एंड आकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, हम फिर मिलेंगे।